तो गाइस हमारे एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, ये बंदा चिल्लाते हुए सभी को इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के जितने भी रूल्स होते हैं उनको समझाया लगता है और कहने लगता है कि हमारे इस टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ सिंपल रूल्स है, जो भी सेमीफाइनल्स में पहुंचेगा चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उन्हें वहां पर पहुंचने के लिए कम से कम 10 मैच जीतने होंगे, वो भी अपने अपोनेंट से, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। तभी हमारे एमसी को वहां से निकलते हुए दिखाया जाता है जो कि अपने भेष को बदलकर वहां पर घूमने में लगा हुआ है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यहां पर इस सिटी को देखकर, इस सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कांगर सिटी में कई सारे टैलेंटेड लोग आ चुके हैं। मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि हम जो मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंट रख रहे हैं इसका इतना ज्यादा फायदा होने वाला है। क्या यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो हॉलीवुड स्प्लिट रियलमी पर होगा? भले ही यहाँ पर इतने ज्यादा लोग आए हैं, वो भले ही मेरे फैमिली के एल्डर नहीं बन सकते, लेकिन मैं इनका इस्तेमाल कहीं और पर तो कर सकता हूँ। मैं उन पर ज्यादा ध्यान दूंगा और ऑब्जर्व करूंगा क्या ये लोग वाकई में मार्शल एथिक्स की तरह बात करते हैं या फिर बिहेव करते हैं या फिर नहीं। तभी वहां पर एक बंदा आता है और अपना आपको इंट्रोड्यूस कराते हुए सभी से कहने लगता है कि मेरा नाम जांग सानली है और मैं यहाँ पर आप सभी से फाइट करना चाहता हूँ। मेरे रियलमी की बात करें तो मैं 8th लेवल पर हूँ मॉडल स्प्रिट रियलमी के, और अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम अपने आप को बेवकूफ ना बना दूसरों के सामने और अपनी बेइज्जती ना करवाओ, तो दूरी रहना फालतू के लोग। तो और अगर कोई कमजोर मुझसे फाइट करने के लिए आया तो मैं पहली वार्निंग दे देता हूँ कि मैं तुम्हारी हड्डी बड्डी तोड़ दूँ, तो इल्जाम मत लगाना मेरे पे बाद में। तभी एक बंदा उसे चैलेंज करने के लिए आता है और उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम हॉली स्प्रिट रियलमी के कहलाने के लायक नहीं हो, तुम इतना ज्यादा ब्रेक करने की या फिर इतना ज्यादा फेंकने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तभी बंदा मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ 9th लेवल मॉडल स्प्रिट रियलमी पर हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम बास्टर्ड अपने लेवल के बारे में तो देखो, तुम तो सिर्फ और सिर्फ 7th लेवल पर हो। और तभी वो ब्लू स्प्रिट को बुलाने के बाद उस पर छोड़ देता है उस बंदे पर और उससे कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार मार खाने के बाद तेरा चेहरा कैसा दिखता है। और इतने ज्यादा जोर से टकराने के कारण उस बंदे के मुंह से खून निकलने लगता है और दिखाया जाता है कि उसके बुल के जो सींग होते हैं, जो हॉर्न्स होते हैं, वो उसके सीने में घुस जाते हैं। इस सीन को देखते हुए कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगते हैं कि जो जांग सानली है वो वाकई में बहुत डार्क रूल है, इसका अपोनेंट क्या मारा गया है? ये बात सुनकर एक और बंदा बोल पड़ता है कि जो कंपटीटर से उन्होंने अपने लाइफ एंड डेथ का जो एग्रीमेंट है उसे ऑलरेडी साइन कर रखा है, तो जिनकी बुरी किस्मत होगी या फिर उन्हें बुरा अपोनेंट मिल जाएगा, हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते। हम बेटर रहेगा हमारे लिए कि हम ऐसी फाइट्स को अवॉइड करें। दूसरी तरफ हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जिस बंदे ने अभी इसको चैलेंज किया था वो बस एक नॉर्मल बंदा था, लेकिन ये बंदा बाकी में बहुत डार्क रूल है, इसके पास बिल्कुल भी मार्शल एथिक्स नहीं है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जब एमसी इतना सोचने में लगा ही हुआ होता है तभी वो बंदा आता है और एमसी के हाथों पर अपना पैर रख देता है और कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है, क्या तुम मेरे इस व्यवहार से बिल्कुल भी डिससेटिस्फाई हो क्या? तभी एमसी भी धमकाते उससे कहने लगता है कि तुम अपने इस बेकार से सड़े हुए पैर को मेरे ऊपर से हटा लो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला। लेकिन वो बंदा मानता नहीं है, बल्कि मैं उसके दूसरे हाथ पर भी अपना पैर रख देता है और कहने लगता है उससे, क्या तुम वाकई में मेरे हाथों से मरना चाहते हो? और अगर तुम्हारे हाथ इतने काबिल है कि मुझसे फाइट कर सकते हैं, तुम आकर मुझसे फाइट क्यों नहीं करते? आ जाओ मुझसे फाइट करो। और अगले ही पल वहां पर एक धमाका दिखाया जाता है जिसके साथ वो स्टेज उस जगह से टूट जाती है जहां पर हमारा एमसी खड़ा हुआ, और हमें पता चलता है कि हमारा एमसी उसके सामने आ जाता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? ठीक है, तुमने जो चैलेंज मुझे दिया है मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये देखकर उस बंदे के टकले के पसीने छूट जाते हैं और वो कहने लगता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार तुम भी सुपर पावर के साथ पैदा हुए थे, लेकिन तुम्हारी बाकी में बहुत ज्यादा बदकिस्मती है कि तुम इस वक्त पूरी तरीके से यूजलेस हो। तुम तो सिर्फ और सिर्फ 9th लेवल पर पहुंचे हुए मॉडल स्प्रिट रियलमी पर, लेकिन मैंने इस लेवल को काफी सालों से कल्टीवेट करते हुए आ रहा हूँ, अब जल्दी से तुम मुझे अपनी मार्शल स्पीड दिखा सकते हो। लेकिन हमारे एमसी के मूड में बिल्कुल भी अपनी मार्शल स्पीड दिखाने का नहीं होता और वो इधर उधर मूव करना चालू कर देता है और मुस्कुराने लगता है। ये देखकर उसका अपोनेंट उस पर चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे ये सब करने का मतलब क्या है? तभी एमसी उसके अटैक को डॉच कर उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी मार्शल स्पीड तुम्हें दिखाने की जरूरत है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर हो। और जब इस तरीके से हमारा एमसी उसके अटैक को डॉच करता है तो उस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे कहने लगता है कि अब तुम भाड़ में जाओ। और जब दोनों के एक दूसरे के साथ पंच टकराते हैं, वो भी पावरफुल वाले, तो हमारे एमसी थोड़ा सा शॉक में होता है और काफी ज्यादा कठिनाई को सामना करना पड़ रहा होता है उससे फाइट करने के लिए। और उससे क्या लगता है कि भले ही ये बंदा 9th लेवल पर है, लेकिन इसका जो कल्टीवेशन है वो इतना ज्यादा सॉलिड नहीं है फिर भी, इसलिए मैं इसके पंच को ब्लॉक करने में कामयाब रहा। इससे पता चलता है कि हमारे एमसी को कठिनाइयों को सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि वो बस अपनी पावर को कंट्रोल करना चाहता है। और जैसे ही वो पंच आपस में टकराता है तो हमारा एमसी थोड़ी सी फोर्स लगाता है और वो बंदा दूर जाकर गिरने लगता है और स्टेज से बाहर हो जाता है और हार जाता है तुरंत। तभी हमारा एमसी पोज मारकर उससे कहने लगता है कि पहले राउंड को मैं जीत चुका हूँ और
सभी के सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। और जब सभी के सभी लोग हुओ जिंग कहकर चिल्ला रहे होते हैं, तभी हमारा एमसी अपने टैग को देखता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि सबसे पहले तो ये मेरा इस लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं अपने रियल नेम का इस्तेमाल करने में लगा हुआ हूँ, जो कि मेरे उस लाइफ में हुआ करता था, अर्थ पर हुआ करता था। और ये नाम सुनकर मुझे वाकई में बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। तभी वहाँ पर कुछ लोग उसके पास आ जाते हैं, जिसको देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है। और उनमें से एक बंदा हमारे एमसी से कहने लगता है कि मिस्टर हुओ, जिस तरीके से आपने उस कचरे से छुटकारा पाया है, उस चीज को देखकर मुझे वाकई में बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली है और मैं आपको वाकई में एडमायर करता हूँ, और हम चाहते हैं कि हम आपको डिनर के लिए ट्रीट करें। तभी इसी कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है, तो इसका नाम वांग कू है और ये 8th लेवल पर है मॉडल स्प्रिट रियलमी के। और जैसे ये बंदा हमारे एमसी को इनवाइट करता है, तो एमसी काफी खुश होते हैं, उससे क्या लगता है कि कितनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल चुकी है अपने दोस्त बनाने के लिए, वो भी जो भी मार्शल आर्टिस्ट है वह दोस्त, मैं इस बंदे को अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा, ये मुझे ट्रीट नहीं कर सकता, मतलब पार्टी नहीं दे सकता, मैं पार्टी दूंगा इसे। तो तभी एमसी उसको चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है डायरेक्टली कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अब सीधी सी बात है कि मैं इस राउंड को जीता हूं तो मैं तुम सभी को पार्टी दूंगा, अगर तुम इस बात से अग्री होते हो तो मैं तुम्हारे से डिनर करने के लिए तैयार हूं, और वो मान जाता है। तभी वो लोग पार्टी करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो बंदा हमारे एमसी से कहने लगता है कि मिस्टर हुओ, जो जांग सान लेता है वो वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंट ब्रेड था, हमें लगा था कि यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि उसे हराने में कामयाब रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोई हॉली स्प्रिट रियलमी का बंदा ही उसे हरा सकता है, लेकिन हमने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि एक मॉडल स्प्रिट रियलमी का बंदा उसे हराने में कामयाब रहेगा, यानी कि तुम। एमसी इस बात सुनने के बाद उसे रिप्लाई देता है और उससे कहने लगता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूंगा, बल्कि मैं इस कंपटीशन का जो एम है वो अपनी लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए रखा गया है। भले ही हॉली स्प्रिट रियलमी के और मॉडल स्प्रिट रियलमी में जो कल्टीवेशन का गैप है वो वाकई में बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें इस तरीके से गिवअप नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर उसके बाकी के साथी भी काफी खुश हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, अब भले ही हम इस मार्शल आर्टिस्ट कॉम्पिटिशन को जीत नहीं सकते अगर कोई हॉली स्प्रिट रियलमी का बंदा आ जाता है, लेकिन शायद ऐसा पॉसिबल हो कि हम फ्यूचर में जीत पाए और इस बंदे का नाम हांदा होता है और ये 9th लेवल पर होता है मॉडल स्प्रिट रियलमी के। ये बात सुनते हुए वो दूसरा वाला बंदा, उसका जो पहला वाला मेन वाला बंदा होता है, उससे कहने लगता है कि हांदा तुम्हें इस तरीके से हॉट हेडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दो रियलमी का गैप है वो वाकई में बहुत ह्यूज है, लगता है कि हम ली फैमिली के एल्डर्स नहीं बन सकते इस मैच के दौरान। तभी तीसरा वाला बंदा कहने लगता है कि हमें कोई जरूरत नहीं है एल्डर्स बनने की, अगर हम एल्डर्स नहीं भी बनते हैं तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से हमें कांगजीओ सिटी में चले जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रोविंशियल कैपिटल है वहाँ पर हम अपना नाम बना सकते हैं और मशहूर हो सकते हैं, और इस जैसे कांगड़ जैसे छोटे टाउन में अगर हम यहाँ पर रहते हैं तो हमारा जो हॉरिजन है वो वाकई में बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, हमारे देखने की क्षमता छोटी हो जाएगी समय के साथ साथ, तो आखिरकार हम यहाँ पर फेमस भी नहीं हो पाएंगे ना, और ना ही पावरफुल बन पाएंगे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर रहने का मतलब भी क्या बनता है। इस बंदे का नाम जांग यांग है। तभी एमसी इन तीनों की बात सुनते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो वांग कू है वो रेशनल वाला बंदा है और काफी मॉडरेट टैलेंट है इसके पास, और बात करें हांदा के बारे में तो ये काफी ब्रेव है और सुपीरियर टैलेंट है, और बात करें जांग यांग के बारे में तो बहुत ज्यादा इंपेटेंट है और इन्फीरियर टैलेंट है, इसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है इसके मुकाबले में, लगता है मैं वाकई में बिल्कुल सही लोगों के साथ ड्रिंक करने के लिए आया हूँ, अब समय आ चुका है कि मैं अपने प्लान को अंजाम दूं। तभी हमारा एमसी उन तीनों से बोल पड़ता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हारे बातों में दम तो है, लेकिन जहाँ पर हम सभी के सभी लोग मौजूद हैं और हम सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मॉडल स्प्रिट रियलमी पर मौजूद है जो कि एल्डर्स बनने के लिए काबिल नहीं है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जो ली फैमिली है वो नॉर्मल लोगों को गार्ड्स की तरह हाल करने के बारे में सोच रही है और काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पेट भी देती है, यानी कि पैसा भी देती है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तीनों के तीनों ये सोचकर काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाते हैं। ये बात सुनने के बाद पहला वाला बंदा उससे कहने लगता है कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो हम इस मौके का फायदा जरूर उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर इतने ज्यादा मॉडल स्प्रिट रियलमी के बंदे हैं तो आखिरकार हमें इस तरीके का मौका कैसे मिलेगा, और हमें ये भी नहीं पता कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तभी एमसी उन सभी से हंसते हुए कहने लगता है कि अब जबकि इसके बैटर के बारे में मैंने आप सभी को बताया है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम लोगों को उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊं। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि मिस्टर हुओ, वाकई में आपने तो कमाल कर दिया, अगर आप वाकई में इतना कर रहे हो हमारे लिए तो एक टास्क तो बनता है, एक चेस्ट तो बनता है। तभी वो टकलू हमारे एमसी के पास आ जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया कि यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट की पार्टी चलने में लगी हुई जो कि मॉडल स्पीड रियलमी पर मौजूद है। और हमारा एमसी इसको देखने के बाद कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो उस बंदे को धमकाते हुए उससे कहने लगता है कि मैंने अभी अभी जब यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने तुम्हारी बातें सुनी और मैंने ये सुना है कि तुम्हें ली फैमिली के गार्ड बनने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आखिरकार तुम इतनी बढ़िया चीज मुझे क्यों नहीं बताते हो। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है मिस्टर जांग, हमने भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धोखे से बातें करने में लगी हुई थी और कुछ नहीं, आपने कुछ गलत सुन लिया होगा, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ 9th लेवल पर है मॉडल स्प्रिट रियलमी के, तो आखिरकार आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो
तो आप सीधे जाकर मिस्टर हुओ से बात कर सकते हैं मदद के लिए। तभी वो बंदा उस बंदे को भड़काते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं उनका ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये सलाह देना चाहूंगा कि तुम थोड़े सावधान रह जाओ, क्योंकि जो लाइफ है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी पैसे के मुकाबले में आफ्टर ऑल। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो ली फैमिली है और गु फैमिली है इनके बीच में काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलने में लगा हुआ है। तो जो मास्टर गु है उनकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 8th लेवल पर पहुंच चुकी है होली स्पिरिट रियलमी के। अगर वह लोग इस तरीके से फाइट करते हैं अगर एक दूसरे से, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा तुम्हारे साथ? ये बात सुनने के बाद वो दोनों एग्री भी हो जाते हैं इस बात को और कहने लगते हैं कि तुम्हारी बात में दम तो है। और हमारा एमसी जब इनकी बातें सुनता है तो उसे गुस्सा आने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग ब्रैट है ये, यहाँ पर हमारी ली फैमिली को अपोज करने के लिए आया है क्या? तभी भी तीनों के तीनों हमारे एमसी से कहने लगते हैं कि मिस्टर वो आपने जो हमें काइंडनेस दिखाई है उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम इस मैटर के बारे में और भी इधर फ्यूचर में सोचना चाहेंगे। और इसी तरीके से वे तीनों की तरह वहां से चले जाते हैं और हमारा एमसी अकेला रह जाता है। तभी वहां पर वो दूसरा वाला बंदा आता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर हुओ आपको तो ये बात बताई होगी कि यहाँ पर सभी के सभी लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आए हुए हैं और मैं चाहता हूँ आपकी ली फैमिली को ज्वाइन करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वहां पर जाकर इंट्रोड्यूस करवाएं। यह बात सुनने के बाद एमसी हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि ली मैनसन हमेशा तुम्हारा स्वागत करेगा और तुम्हें हाई सैलरी भी प्रोवाइड करवाएगा, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगले ही पल हमारा एमसी कमरे में आ जाता है और आने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए इस जांग सानली के बारे में इन्वेस्टिगेट तो करना ही पड़ेगा कि आखिरकार इसने जो भी आज किया था वो थोड़ा तो अजीब था ही। और वो उसके कमरे में आने के बाद जांग सानली कमरे में आने के बाद उस पर नजर रखने लगता है, जहां पर वो बंदा उठता है तो कहने लगता है कि अब समय आ चुका है और वह बंदा वहां से जाने लगता है। जब एमसी उसे देखता है तो कहने लगता है मन में सोचते हुए कि इतनी रात को ये बंदा कहां पर जा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा किसी से मिलने में लगा हुआ होता है। दूसरा वाला बंदा इस टकलू से कहने में लगा हुआ होता है कि मैंने सुना है कि तुम आज की रेड में फेल हो गए, अब तुमने जो डिपॉजिट हमने तुम्हें जो पैसा दिया था वो हमें वापस कर दो। तभी वो टकलू उससे कहने लगता है कि जो पैसे तुमने मुझे दे दिए हैं अब वो तुम्हें वापस नहीं मिलने वाले, और कैसा रहेगा कि आखिरकार मैं ली फैमिली को पूरी तरीके से बदनाम कर दूं तुम्हारे लिए वो भी फ्री में, तो कैसा रहेगा? ये बात सुनने के बाद उस काले कपड़े वाले बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो उस टकले को धक्का देते हुए उससे कहने लगता है कि तुम कितने ज्यादा शेमलेस होने में लगी हुई हो, हमने तुम्हें जो मिशन दिया था तुम उसमें फेल हो चुके हो और अब तुम इलेक्शन में सिलेक्ट भी नहीं हो सकते, तो आखिरकार तुम कैसे तरीके से हमारे फ्यूचर प्लान में मदद कर सकते हो? एमसी ये बात सुनने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इनके पास अभी भी फ्यूचर प्लान्स मौजूद है। तभी वो टकलू उस बंदे से कहने लगता है कि मेरी बस इतनी सी किस्मत खराब थी कि मैं किसी स्ट्रांग मैन से जाकर फाइट करने के लिए भिड़ गया था, लेकिन मेरी एबिलिटी का इस्तेमाल कर अगर वो बंदा वहां पर नहीं होता तो मैं बिना किसी परेशानी के टॉप 100 कॉम्पिटिटर्स में जरूर पहुंच जाता। ये बात सच है कि मेरी किस्मत वाकई में उस वक्त काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन मैंने कई सारे मास्टर के ग्रुप को ऑर्गेनाइज कर लिया है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कि अगर जो टॉप 50 के कॉम्पिटिटर्स हैं वे सभी के सभी लोग ली फैमिली को ज्वाइन कर लें और उनका पैसा चुराकर जहां से निकल ले पहली फुर्सत में, मैं ऐसा कर सकता हूं? ये बात सुनने के बाद वो ब्लैक कलर वाला बंदा उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे इसकी गारंटी कैसे देख सकते हो, आखिरकार वह लोग कहां पर है? तभी एमसी उससे कहने जो बंदा होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम मुझे अपने बॉस के पास ले चलो, मैं उसे अपनी लिस्ट दे दूंगा उसे। और उन्हें जाते हुए हमारे एमसी देखते हैं तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजर भी है, अब जबकि मैंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है तो मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे चीट करे, लेकिन वो इस कंपटीशन को पैसा का इस्तेमाल कर मैनिपुलेट करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा पैसा छापना चाहते हैं अपने लिए। लगता है कि इस बारे में मुझे खुद इन्वेस्टिगेट कर पता लगाना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है ब्यूटीज पवेलियन पर, जहां पर ये जगह हमारे एमसी की ही होती है और वो बंदा उस बंदे के पास आकर उससे कहने लगता है कि बॉस जो आपने मुझे कहा था करने के लिए वो हमने कर दिया है, और जो जांग सानली है वो आपके लिए उन मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट लेकर आ चुका है जो कि आपके लिए काम करने वाले हैं और वो आप सभी के साथ कॉपरेट करना चाहते हैं, और यहाँ पर दो मास्टर भी हैं होली स्पिरिट रियलमी में उन सभी के बीच में। तभी जो पीछे तस्वीर लगी हुई होती है उसमें से अजीब सी तरीके से कुछ रिएक्शन मिल रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी ही होता है जो कि अपनी उस तस्वीर से देखने में लगा हुआ होता है और मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ होता है कि ये कितनी ज्यादा कोइंसिडेंस वाली बात है कि ये सभी के सभी लोगों ने अपनी मीटिंग रखने के लिए ब्यूटी पवेलियन को चुना है। और तो और मैंने इस जगह को सीक्रेट चैम्बर के तौर पर बनाया होता है जब मैं ब्यूटी पवेलियन को बनाने में लगा हुआ था, लेकिन मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि ये चीज़ मेरे इतने ज़्यादा काम आएगी आज के दिन में। जब उस बंदे को लिस्ट मिल जाती है तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, उससे कहने लगता है कि तुमने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे देने के लिए तैयार हूँ एक बार मैटर खत्म हो जाए उसके बाद। तभी वो टकलू उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुकिए, मैंने सुना है कि जो ली फैमिली है वो मार्शल आर्टिस्ट को एम्प्लॉय करने के लिए रखने वाली है अपने गार्ड्स के तौर पर, वो भी सीक्रेटली टीम गार्ड टीम बनाने वाली है अपनी, और जो भी मॉडल स्पिरिट रियलमी पर है उसे 10,000 टेल्स पर ईयर के हिसाब से पैसा मिलेगा, हम उसका इस्तेमाल कर भी पैसा छाप सकते हैं वैसे सर। ये बात सुनकर उसका बॉक्स भी एग्री हो जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, अब तुम जा सकते हो अपने रिवॉर्ड को लेने के लिए, और वो बंदा काफी ज्यादा खुश होते हैं वहां से निकल जाता है। और तभी उस बंदे का बॉस उस लिस्ट को पढ़ना चालू कर देता है। पीछे से हमारा एमसी सारी की सारी सिचुएशन को देख रहा होता है और उसमें जो जिस लिस्ट में जितने भी नाम होते हैं वो अपने पेन और पेपर से लिख लेता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी हुई
कि इस लिस्ट में जितने भी नाम थे वो मैंने ऑलरेडी अपने इस पेपर पर लिख लिए हैं, अगर तुम यहाँ पर चीटिंग कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन लोगों को फाइनल तक पहुँचने नहीं दूंगा साला। नेक्स्ट सीन में हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की सोने में लगी होती है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं हमारे एमसी की फादर की फोर्थ कंकी बहन होती है। तभी हमारा एमसी उसके पीछे जाता है और कान में फुसफुसाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम जाग जाओ। तभी वो लड़की जग जाती है और एकदम से शॉक हो जाती है और सरप्राइज होती है, चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम कौन हो। जैसे ही वो फोर्थ कंकी बहन हमारे एमसी को देखती है तो उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई चाइल्ड लिली। तभी एमसी उसको बताता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद मांगने के लिए आया हुआ हूँ। और तभी वो लिस्ट उस लड़की को पकड़ाते हुए उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, एक लोगों का ग्रुप है जो कि हमारे इस कंपटीशन में हमसे पैसा चुराने के लिए चीट करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो इस लिस्ट में उन सभी का नाम लिखा हुआ है, ये सारी की सारी लिस्ट को तुम भूत यान जुहो को दे दो। ये सुनने के बाद लड़की उससे कहने लगती है कि आखिरकार उनकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी लड़की हमारे टीज करते हुए उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम डायरेक्टली इस लिस्ट को एल्डर वू को खुद से क्यों नहीं देते हो, तो आखिरकार इतनी रात को मेरे कमरे में आने का तुम्हारा क्या है, मतलब क्या सोच कर आए हो इतनी रात को। तभी एमसी उसको बताता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें गलतफहमी पालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एल्डर वू है वो हमेशा उन मार्शल आर्टिस्ट के लोगों के साथ रहते हैं, और जो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि इतने ज्यादा कम लोग जाने मेरे बारे में, उतना ही ज्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए, हमारे प्लान के लिए। और तभी हमारा एमसी वहां से जाने लगता है। पीछे से वो कंकीबाइन मन में सोचते हुए कहने लगती है कि हमारा जो एमसी है यानी कि चाइल्ड लिली वाकई में बहुत ज्यादा डिसेंट मैन बन चुका है, पहले के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा, और काफी ज्यादा डिफरेंट भी है। तभी नेक्स्ट दिन में वहाँ पर कंपटीशन का समय स्टार्ट होता है, वहाँ पर वो बंदा सभी के बारे में लिस्ट में अनाउंस करता है और कहने लगता है कि हुओजिंग का जो अपोनेंट होने वाला है वो हुलिन होगा। तभी बंदा कहने लगता है कि कितनी ज्यादा बुरी किस्मत है, मेरा जो पहला अपोनेंट है वो और कोई नहीं बल्कि मैं ऐसे ही होना था क्या। तभी एमसी धमकाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम स्टेज पर क्यों नहीं आते हो, क्या तुम वाकई में गिव अप करना चाहते हो। तभी बंदा कहते लगता है कि मुझे इस मैच को जीतना है, वरना मैं वाकई में जो मुझे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो काम दिया गया है मैं उसे कंप्लीट नहीं कर सकता, और वो भी स्टेज के सामने आया था फाइट करने के लिए हमारे एमसी से, और हमारा एमसी तो वैसे ही भड़का हुआ पड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि तेरी जात का पैदा मारूं, और उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन वो बंदा किसी तरह डॉच करने की कोशिश करने लगता है, और हमारा एमसी इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जिसको देखकर सामने वाला बंदा कहने लगता है कि हुओ मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आखिरकार तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो। तभी एमसी कहने लगता है कि मेरा ऐसा करने का कोई भी रीजन नहीं है, मुझे बस ये पसंद आया इसलिए मैं तुम पर गुस्सा दिखा रहा हूँ, सीधे शब्द में कहो तो मेरी मर्जी। और एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं इस तरीके से डिस्गस्ट होकर इनसे फाइट कर रहा हूँ, ये कितनी ज्यादा मजेदार लगने में लगा हुआ है मुझे, मैं यहाँ पर जैसे चाहे वैसे फाइट कर सकता हूँ, गुस्सा दिखा सकता हूँ, फाइट कर सकता हूँ, पीट सकता हूँ, और अपने गुस्से को निकाल भी सकता हूँ यहाँ पर। तभी वो बंदा हमारे एमसी को पीछे मुड़कर घूरने लगता है और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उससे कहने लगता है कि मैं अपनी फुल पावर को तो मैं इतनी जल्दी जल्दी दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मेरे पास कोई भी दूसरा चारा नहीं छोड़ा है। और तभी वो बंदा अपने ब्लैंक विंग्स ईगल को बुला लेता है जो कि इसकी स्पिरिचुअल स्प्रिट होती है, आई मीन स्प्रिट बीस्ट होता है सीधे शब्दों में कहो तो, और इस बंदे का नाम हुलिन है जो कि ऑलरेडी फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है होली स्प्रिट रियलमी के। ये देखने के बाद सभी के सब लोग शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगता है कि ये बंदा ऑलरेडी होली स्प्रिट रियलमी पर पहुंच चुका है, क्या जो हुओजिंग है वो उसे हराने में कामयाब रहेगा। तभी वो जो गार्डियन होता है वो उसको देखकर कहने लगता है कि मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि ये बंदा यहाँ पर अपनी पावर को इस तरीके से छिपाने में लगा हुआ, जो चाइल्ड लिली है क्या वो ठीक रहेगा। तभी बंदा हमारे एमसी पर अटैक करते हुए आने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम भले ही काफी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम अभी भी सिर्फ और सिर्फ मॉर्टल स्प्रिट रियलमी पर मौजूद हो। और वो हमारे एमसी के कंधे पर अपना हाथ रखता है और हमारे एमसी को स्टेज से बाहर फेंकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमारा एमसी यहाँ पर एक ट्रिक का इस्तेमाल करता है और उसी का फोर्स का इस्तेमाल कर बाहर की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन जैसे वो जमीन पर गिरने वाला होता है तो वो अपने ईगल को बुला लेता है जिससे कि वो हवा में उड़ सके, और जब ये बंदा नीचे नहीं कर पाता तो बाकी लोग आपस में पथराते हुए कहने लगते हैं कि हुलिन लगता है कि फेल हो गया है यहाँ पर, लगता है कि जो मॉर्टल रियलमी स्प्रिट वाला बंदा है वो वाकई में जीत सकता है किसी भी होली स्प्रिट रियलमी पे, और जो होली स्प्रिट रियलमी के बंदे हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहे। और तभी वो बंदा हमारे एमसी के सामने आकर रुक जाता है और उससे कहने लगता है क्या तुम्हें जो दो रियलमी के बीच का सबसे बड़ा जो डिफरेंस है उसके बारे में पता है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जो होली स्प्रिट रियलमी का बंदा है वो एक ऐसे मूव को इस्तेमाल कर सकता है जिसे मॉर्टल स्प्रिट रियलमी का बंदा उस मूव को इस्तेमाल नहीं कर सकता, या फिर उस टेक्निक का। तभी वो बंदा अपना मटेरियलाइज्ड मार्शल स्प्रिट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जिससे कि वो मर्ज हो जाता है अपनी मार्शल स्प्रिट से, और हमारे एमसी के पंच को रोक लेता है अपने हाथों से, और दोनों के जब पावर आपस में टकराती है तो वहां पर विंड प्रेशर जनरेट होता है, और सभी लोग इस मैच को देखकर काफी एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और कहने लगते हैं चिल्लाते हुए कि जो हुओजिंग ने उसने इसके पंच को झेल लिया है, कितना ज्यादा वंडरफुल वाली चीज है ये, तो अब तक का ये सबसे ज्यादा बेस्ट गेम है मेरे लिए देखने के लिए। हुओजिंग तुम्हें होना चाहिए तो मॉर्टल स्प्रिट रियलमी पर, तुम तो वाकई वन ऑफ द बेस्ट मॉर्टल स्प्रिट रियलमी पर होने के बाद भी। ये बात सुनने के बाद दूसरे
दूसरे वाला बंदा कहने लगता है ये सारी सारी सिचुएशन सुनते हुए कि अब तुम्हारा सभी का दिमाग खराब हो चुका है, ये ऑलमोस्ट मुझसे हारने वाला है और मैं जीतने वाला हूँ, और तुम लोग उसकी तारीफ करने में लगे हो अभी भी। तभी हमारा एमसी विक्टोरियस फाइटिंग स्किल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और कह रहा होता है कि मैं अभी इस समय पर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, खासकर इन ज्यादा छोटे मोटे लोगों पर, और वो अपनी पावर को जितना ज्यादा हो सके उतना कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और उसी के साथ वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे कि हमारा एमसी पीछे जाकर गिरने लगता है और वो बंदा भी, क्योंकि हमारा एमसी इस वक्त अपनी पावर को जितना हो सके उतना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और ये देखते हुए सामने वाला बंदा हमारे एमसी से कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम पैदा ही हुए हो सुपर पावर के साथ, और सभी के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं हुजिंग, यानी कि हमारे एमसी की, जो कहने लगता है कि मॉर्टल स्पीड रियलमी के होने के बाद भी हुजिंग जीत चुका है। लेकिन ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस बात की खुशी बनाने में लगी हुई हो, जो गेम है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और जो भी यहाँ पर बकवास करेगा मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। और वो पता नहीं अपनी फिर से कोई टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है और अपनी सारी की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में वापस इकट्ठा करने लगता है। तभी एक बंदा आने के बाद वहाँ पर इसको देखते हुए इससे कहने लगता है कि जगह लगता है कि जो हुलिन है वो यहाँ पर अपनी अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल करने वाला है, और सारी की सारी पावर को इकट्ठा करने के बाद जो हुलिंग होता है वो उससे कहने लगता है कि हुजिंग मैंने वाकई में अभी तक तुम्हारे मैच को स्टार्टिंग से कभी भी सीरियसली लिया ही नहीं था, और ना ही मैंने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल किया था, लेकिन तुमने वाकई में मुझे मजबूर कर दिया है कि अब मुझे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना होगा, अब तुम्हें बाहर में चले जाना चाहिए हुजिंग। और वो बहुत ज्यादा उस ईगल के फेदर्स को यानी कि उनके पंखों को हमारे एमसी की तरफ थ्रो कर देता है जिससे कि हमारे एमसी के चेहरे से खून निकलने लगता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि इसका ओरा तो पूरी टोटली तरीके से बदल चुका है, लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इस मैच को जीतना होगा। और हमारा एमसी भी उस बंदे की तरह बढ़ने लगता है और वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक स्किल फिंगर थंडर का इस्तेमाल करने लगता है। दूसरी तरफ जो बंदा होता है वो भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उससे कह लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, वो भी मेरी इतनी ज्यादा सुपर स्पीड फिंगर के साथ और तुम्हारे ये छोटे मोटे तुच्छ से पंच के साथ, तुम मुझसे जितने में कामयाब नहीं रहने वाले हो। और अगले ही पल हमारे एमसी पर कई सारे अटैक्स बढ़ जाते हैं जिससे कारण हमारे एमसी को बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगती है मूव होने में, वो अपनी पावर को जितना हो सके उतना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करने में लगा हुआ था, लेकिन ये बंदा तो कंट्रोल करने देता ही नहीं है यार। तभी उसका जो बॉडीगार्ड होता है एमसी का वो उससे कहने लगता है कि जो हुसिंग है वो इस समय पर इसकी स्पीड और इसकी फोर्स को जो कि फिंगर थंडर से निकल कर आ रही है उसे झेलने में कामयाब नहीं रहने वाला, लगता है कि ये गेम अब खत्म होने वाला है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा और भी एक्साइटमेंट से भर जाता है और वो फिर से अटैक करते हुए एमसी पर कहने लगता है कि अब तुम्हें मर जाना चाहिए, और तभी वो बंदा अपनी मार्शल स्पिरिट को हमारे एमसी के माइंड में भेजने लगता है ताकि वो उसे पागल कर सके जिससे कि उसका पूरा पूरा दिमाग खराब हो जाए। ये देखने के बाद ये बंदा काफी शॉक होते हुए उससे कहने लगता है कि शिट ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई, अगर किसी बंदे ने किसी के दिमाग पर अटैक कर दिया है वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट से, और वो अगर मार्शल स्पिरिट उसके दिमाग में घुस गई तो जो मिस्टर हुओ है वो वाकई में बहुत ज्यादा डेंजर में फंस जाएंगे। लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है कि वो जो मार्शल स्पिरिट है वो हमारे एमसी के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो घुस नहीं पा रही होती हमारे एमसी के दिमाग में। ये देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वहीं पर हमारा एमसी का मंकी किंग बाहर आता है और हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम्हारी जो फिंगर थंडर टेक्निक है वो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक्निक है, वाकई में मजा आया उसको देखकर मुझे, लेकिन तुम एक बात शायद भूल चुके हो इतनी देर से मुझसे फाइट करने के लिए कि मैंने अभी तक अपनी मार्शल स्पीड टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया है। और जब वो मंकी किंग को हमारे एमसी के पीछे देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहने लगता है मन में सोचते अपने आप से क्या ये बंदा कोई मॉन्स्टर है, और वो वहीं पर अपनी हार मानते हैं उससे कहने लगता है कि मैं गिव अप करता हूं, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए जज, मैं गिव अप करता हूं। लेकिन हमारा एमसी वहां पर उससे कह लगता है कि ये काफी लेट हो चुका है तुम्हारे लिए गिव अप करने का, और वो किसी धोबी घाट में कपड़े धोते हैं ना उस तरीके से हमारा एमसी उस बंदे को धोने लगता है गंदी तरीके से, और वह बंदा वहीं पर हारा जाता है। तभी वहां पर घंटी बजती है और वो अनाउंस कर देता है कि हुजिंग वर्सेस हुलिन के बीच में जो फाइट होती है वहां पर हुजिंग जीत चुका है, और हमारा एमसी जीतने के बाद सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुशियां मनाने लगते हैं। तभी वो बंदा मिस्टर हुओग यानी कि हमारे एमसी के पास आकर उससे कहने लगता है कि मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम इस तरीके से इस मैच को जीत जाओगे, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट हो, और उसके सीधे जाकर गले लग जाता है। और इसको देखते हुए हमारा एमसी टोटली कंफ्यूज होता है, वो बंदा कहने लगता है कि आज मेरी तरफ से आपको ट्रीट रहेगी मिस्टर हुओ, हम आज इस मैच को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तभी हमारा एमसी उस बंदे को दूर करता है अपने आप से और उससे कहने लगता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूं इस बात को कि आप मुझे पार्टी देना चाहते हो, लेकिन मुझे माफ कर देना, मुझे इस समय पर बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली हुई है और मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता हूं कल्टीवेट करने के लिए। ये बात सुनकर वो बंदा और भी ज्यादा हमारे एमसी से खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो ना ही बहुत ज्यादा बुरे हो और ना ही तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत पड़ती है, तुम तो वाकई में हमारे रोल मॉडल हो, तो इसलिए मैं आपको अनाउंस करता हूं कि आप हमेशा मेरे रोल मॉडल रहोगे आज से, और मैं हमेशा पूरी की पूरी लाइफ में आपसे सीखूंगा और आपको फॉलो करूंगा। और अगले सीन में हमारे एमसी को अपने बेड पर आराम करते हुए दिखाया जाता है जो कि सोने में लगा हुआ है। तभी अचानक से उसका दरवाजा कोई नॉक नॉक करता है तो हमारा एमसी अपना दरवाजा जाकर खोलता है और वहां पर हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो कि एमसी के पास आकर उसे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द खिड़की खोलकर यहां से भाग देना चाहिए मिस्टर हुओ, क्योंकि जो हुओ लेने वो यहां पर कई सारे लोगों को आपके पास लेकर आने में लगा हुआ है ताकि वो आपको बीट
पीट पीट कर मार सके। और एक अच्छे बंदे को, एक टैलेंटेड यानी कि दिमागदार बंदे को ये बात पता रहना चाहिए कब तुम्हें रिट्रीट करना चाहिए, आपको जाकर इस समय पर छुप जाना चाहिए। तभी एमसी उस बंदे का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार मुझे उनसे क्यों छुपना चाहिए, ये सभी के सभी लोग बिल्कुल सही समय पर आए हैं, तो मेरे साथ चलो और जहाँ पर उन सभी का इंतजार करो मेरे साथ, मैं अभी हम लोग जाकर उन सभी को यहीं पर मार देंगे अपने हाथों से। ये बात सुनने के बाद बंदा उसे रोकता है, उससे कहने लगता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ मिस्टर हुओ, लेकिन आपको सबको ये बात तो पता रहनी चाहिए कि हमारे जो नंबर है वो वाकई में कम है उनके मुकाबले में। हुओलिन यहाँ पर टॉप 50 कंपटीटर्स के साथ आने में लगा हुआ है इस बार, और उनमें से कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि हॉली स्प्लिट रियलमी पर पहुंच चुके हैं। तभी वहां पर वो सभी के सभी लोग पहुंच जाते हैं हमारे एमसी को मारने के लिए। कोई पेन लेकर आया हुआ होता है तो कोई रॉड लेकर आया हुआ होता है। तभी वो बंदा खेलकता चिल्लाते हुए कि नहीं शिट, हम लोग यहां पर लेट हो चुके हैं, अब हमें जल्द जल्द जाना होगा। और वो अपना खंजर निकालकर एमसी से कह लगता है, अगर वाकई में ये बात यहाँ पर पहुंच चुकी है तो मैं आपको अपनी जान दांव पर लगाकर भी अपनी आपकी जान बचाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी एमसी पीछे मुड़ता है और उससे कह लगता है कि तुम्हें इतने ज्यादा सीरियस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो देखने में वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी लगने में लगी हुई है, क्या तुम ये स्वॉर्ड मुझे उधार दे सकते थोड़ी देर के लिए। और एमसी हमारा उस स्वॉर्ड को लेने के बाद उससे कह लगता है कि मैंने अभी अभी इस रात को इंस्पिरेशन मिली थी मुझे मार्शल आर्टिस्ट के लिए लास्ट नाइट, और मैंने इसको प्रैक्टिस किया था कुछ मूव, अब मैं उन मूव्स को ट्राई कर सकता हूँ यहाँ पर, और वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे इनसे वैसे भी निपटना ही था, और कल के कंपटीशन में अगर मैंने अभी हरा देता हूँ तो कल के कंपटीशन में काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है अगर ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो, और मेरा समय भी बचेगा। और तभी वो एक पैकेट उसे देने लगता है और उससे क्या लगता है कि वैसे एक बात बताऊँ, यहाँ पर तुम्हारे लिए मैंने एक पैकेट तैयार किया है टॉप लॉन्ग जिया टी का, और ये इसकी जो एक एक पत्तियां हैं ना वो सभी के सभी अच्छी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियों के लिप्स के द्वारा चुन कर निकाला गया है अर्ली स्प्रिंग में। तुम इस चाय को इस टी को पीकर मजे उठा सकते हो, यहाँ पर तुम आराम करो और इस टी को एंजॉय करो और तुम मेरा इंतजार करो। ये बात सुनकर वो टोटली कंफ्यूज रहा होता है और कहने लगता है मन अपने आप से, क्या ये अभी भी चाहता है कि मैं यहाँ पर टी को एंजॉय करूं। तभी वो बंदा हमारे एमसी के घर के सामने आकर चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि जो ली फैमिली है उन्हें इस कंपटीशन के रूल्स के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उनके कंपटीटर से फर्क पड़ता है, हम लोग जाकर इसे तुरंत जाकर मार सकते हैं, और तुम सभी को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम सभी के लिए इस बैंक नोट को प्रिपेयर कर रखा है, तुम इसे जाकर मार सकते हो और इसे ले सकते हो। और जैसे वो उस बैंक नोट को पकड़ा हुआ होता है यानी कि चेक को पकड़ा हुआ होता है, तभी दिखाया जाता है कि वो वहां पर फट चुका है। इसको देखकर वो बंदा काफी ज्यादा शौक से भर जाता है और दिखाया जाता है कि इस तरीके से हमारा एमसी ऊपर से कूदता है खिड़की से और उससे कहने लगता है कि तुम कमीने हुओलिन कहीं के, तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्टबर्न हो रहे हो यहाँ पर, अब जबकि तुम यहाँ पर कई सारे लोगों को मुझे मारने के लिए आ चुके 100,000 टेल्स के लिए, लगता है कि मुझे आज तुम्हें खुद मारना पड़ेगा वो भी अपने हाथों से। तभी वो बंदा अपने साथियों से चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो इसकी और जल्दी से जाओ और इस बंदे को सभी लोग मिलकर जाकर मार दो। और वे सभी के सभी लोग हमारे एमसी पर कूद पड़ते हैं उस पर अटैक करने के लिए। तभी हमारे एमसी की नजर किसी बंदे पर जाती है और पता चलता है ये बंदा तो हॉली स्प्रिट रियलमी पर है और देखकर कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी वो बुढ़ाऊ अपनी मार्शल स्पिट पायथन को बुलाने लगता है और अपने पायथन को हमारे एमसी को निकलने के लिए ऑर्डर दे देता है, जिसको देखकर हमारा एमसी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर अपना न्यू मूव ट्राई करना चाहता हूँ। और तभी वो हेवन आर्मर को समन कर लेता है जिससे कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी किसी एनर्जी से घिर जाती है, और जैसे ही वो पायथन हमारे एमसी को काटने की कोशिश करता है तो उसके जो दांत होते हैं वो वहीं पर टूट जाते हैं और वो पायथन वहीं पर रोना चालू कर देता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसको देखकर वो बड़ा काफी ज्यादा शौक होते हुए क्या लगता है कि ये सब क्या कर दिया तुमने इसके साथ। तभी हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है और उससे कह लगता है कि अब तुम जाकर मर जाओ, और इतना करते ही वो बंदा मारा भी जाता है। बाकी की जब लोग इसे देखते हैं तो चिल्लाते उससे कह लगता है कि यही हमारा अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बंदे को मारने के लिए। तभी हमारा एमसी उस पायथन की पूंछ को पकड़ता है और पकड़कर गोल गोल रानी कितना कितना पानी कर गोल गोल वहीं पर घुमाने लगता है, और जितने भी लोग उसके रास्ते में आते हैं वो सभी के सभी लोग उड़ते जाते हैं। इसको देखकर उस पायथन को गुस्सा आ जाती है तो हमारे एमसी से पायथन कहने लगता है कि ब्रेड तेरी हिम्मत कैसी है मेरा इस तरीके से फायदा उठाने की। और तभी वो अपनी सबसे ज्यादा अल्टीमेट स्किल पायथन स्ट्रेंगलिंग का इस्तेमाल करने लगता है वो पायथन। तभी हमारा एमसी इसको देखकर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर सांस नहीं ले सकता, अब मैं क्या करूँ। जिसको देखकर वो हुलन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे कहने लगता है कि तुम इसे मार दो इसे यहीं पर इसकी गर्दन तोड़ दो। तभी एमसी अपनी एक्टिंग को बंद करता है और उससे कहने लगता है कि लगता है मुझे अपनी एक्टिंग को बंद कर देना चाहिए, अब मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा एक्टिंग करने में। और अगले ही पल वो स्नेक वहीं पर मारा जाता है। तभी एमसी नीचे उतरता है, उसके चंगुल से बाहर निकलता है और उससे कहने लगता है किसी भी स्नेक को तुम कितनी भी आसानी से हरा सकते हो कि अगर तुम उस जगह पर चोट पहुंचाओ उसको जिस जगह पर उसे दर्द होता हो, क्योंकि हर स्नेक मार्शल स्पीड की एक वीकनेस होती है और मैंने इसे पहले कंट्रोल कर दिया था इसलिए इसने अपनी अल्टीमेट स्किल मुझे दिखाई। ये बात जानने के बाद वो मिस्टर हुआ होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और घबराने लगता है, क्योंकि अब हमारा एमसी उस बंदे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने में लगा हुआ होता है और कहने लगता है कि अब तुम्हारी बारी है मरने की। तभी हमारा एमसी उसके पैरों पर अपना पैर रख देता है और उसे मारते हुए उससे कहने लगता है कि मैंने उस कंपटीशन में तुम्हारे
मेरी जान बख्श दी थी, लेकिन अगर कार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरीके से रात में चुपके से अटैक करने की, लगता है कि तुम्हें मरना बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी थी मरने की। और वह बंदा अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन हमारा एमसी उसे जिंदा नहीं छोड़ता और उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है और वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। तभी जो बंदा हमारे एमसी को बताने के लिए आया हुआ था वो बाहर निकलता है और देखकर कह लगता है कि ये फाइट खत्म हो गई बड़ी जल्दी। और हमारा एमसी उस स्वॉर्ड को वापस देता है, उससे कह लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे स्वॉर्ड के लिए। ये देखकर बंदा कह लगता है कि नहीं, स्वॉर्ड के कारण कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि मैं ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मैं इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। और तो और यहाँ पर इतने ज्यादा लोग मारे गए हैं आज रात को, लगता है कि तुम टॉप 16 पर जरूर पहुंच जाओगे। अभी वहां पर लिस्ट निकल कर आ जाती है और सभी के सब लोग बातें करने में लगे हुए थे। क्या तुमने सुना कि जो टॉप 16 की लिस्ट है वो ऑलरेडी बाहर आ चुकी है और होजिंग है वो समय से पहले इस लिस्ट में आ चुका है। तभी दूसरा बंदा ये बात सुनने के बाद कह लगता है वो सब इसलिए है क्योंकि इसने कई सारे मास्टर रैंकिंग के लोगों को मार दिया है कल रात को। आजकल के जो लोग हैं वो जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी का चेला उसके पास आता है और सभी से कह लगता है कि तुम सभी के सभी लोग इस तरह की बकवास करना बंद करो, तुम्हें सच सच बताएं तो बस सभी के सभी लोग मिस्टर हुओ को मारने के लिए आए थे सबसे पहले, इसलिए बस उन्होंने तो बस अपने बचाव के लिए लोगों को मारा है। जब एमसी इसकी बातें सुनता है तो उसे रोकता है, उससे कह लगता है कि तुम्हें इन सभी से बहस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन एमसी के चमचे को इस बात से बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता, तो वो कह लगता है कि तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो इस तरीके से खराब हो जाएगी कल रात के इंसिडेंट से और मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से तुम पर इल्जाम लगाया जाए वो भी झूठा। तभी एमसी उससे कह लगता है कि मेरी रेपुटेशन अगर तबाह हो भी जाती है तो मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मैं अगर जीत गया तो जीत गया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं हम ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती भी बढ़ा सकते हैं जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट बंदे हैं और काफी ज्यादा अच्छे हैं दिल से भी और वो ये बात समझ सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। और तभी वह लोग उस लिस्ट को देखने लगते हैं जहां पर फर्स्ट पोजीशन पर जुआन वेई होता है, सेकंड पर जुओ जीबाओ, थर्ड पर जंग वैन, ऐसे कई सारे नाम होते हैं। जिसको देखने के बाद एमसी कहने लगता है क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया ये टॉप 3 कंपटीटर्स है, उसमें हांदा भी मौजूद है। आई मीन सॉरी, इसका कहने का मतलब है कि तुमने इन टॉप कंपटीटर्स पर ध्यान दिया है। हांदा, हांदा इस बंदे का नाम है इसके चमचे का। और तभी हांदा उसे बताने लगता है कि जो जुआन वेई है टॉप पर वो उसकी मार्शल स्पीड के बारे में बात करें तो वो और कुछ नहीं बल्कि मैं कुल्हाड़ियों के दो पेयर्स हैं, दो कुल्हाड़ियों का एक पेयर बनता है ना, तो वैसे एक पेयर है। ज्यादातर की जो मार्शल स्पिरिट्स तो देखी है मैंने आज तक वो ह्यूमंस की, वह सभी की सभी बीस्ट होती है, लेकिन एक वेपन मार्शल स्पिरिट हो वो काफी रेयर बात है, तो तुम्हें इस बात के लिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तभी एमसी कह लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ वेपन मार्शल स्पिरिट्स के बारे में पता हुआ है कि मुझे काफी रेयर होती है लेकिन मुझे उनसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तभी हांदा उसे बताने लगता है कि जुओ युवाओ के बारे में बात करें तो ये शायद सुपर पावर के साथ पैदा हुआ था बिल्कुल तुम्हारे ही तरह, पर बात करें इसके मार्शल स्पिरिट के बारे में तो ये वन हॉर्न्ड किलिन है। और तो ये कहा जाता है कि जो वन हॉर्न्ड किलिन होता है ना वो एक नोबल मार्शल स्पिरिट है और इसे कल्टीवेट करना काफी आसान होता है 12 ईयर बीस्ट में। ये बात सुनते हुए एमसी उसे कह लगता है कि इसके पास कुछ नहीं बस थोड़ी सी मार्शल स्पिरिट है बेटर वाली, लेकिन मुझे ही लगता है कि मुझे यहाँ पर ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल लगता है और मुझे इस बंदे से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन अगर मुझे किसी बंदे से सावधान रहना है तो मुझे इस बंदे से सावधान रहना होगा क्योंकि इस बंदे की जो पावर्स है तुम उसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो। तो ये वो जो हांदा होता है उससे कह लगता है कि नहीं, इसकी बात करें तो ये ऑलरेडी 6th लेवल पर पहुंच चुका है हॉली स्पिरिट रियलमी के, लेकिन इसने अभी तक मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल नहीं किया है अपने, तो मैं इसके बारे में क्या लगता है। तभी एमसी रियलाइज करता है उसको और कह लगता है कि ये बंदा वाकई में बहुत बेसिक स्किल्स अच्छी है इसकी और मैंने इसकी फाइट को देखा था जो कि 9th लेवल पर मॉडल स्पिरिट रियलमी के साथ जब इसने फाइट की थी और उसने इस मैच को सिर्फ और सिर्फ एक मूव में जीत लिया था, लेकिन अगर मैं इस तरीके से इससे फाइट करता हूं या फिर इससे जीतने की कोशिश करता हूं तो मैं पक्का हारूंगा। ये देखते हुए हांदा उससे कह लगता है कि तुम्हें इतना अपसेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मिस्टर हुओ, क्योंकि जो जियांग वैन है वो उसने कभी भी अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसके पास कभी कोई मार्शल स्पिरिट मौजूद थी ही नहीं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास अभी भी जीतने का मौका है। तभी एमसी उसे समझाता है और उससे कह लगता है कि तुम्हें कभी भी अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, एक बार ये कंपटीशन खत्म हो जाए तो हमें पता चल जाएगा इसके बारे में। तभी नेक्स्ट डे में कंपटीशन स्टार्ट होता है जहां पर वो अनाउंस करता है कि जो लिस्ट है वो ऑलरेडी आ चुकी है और डिसाइड हो चुकी है, यहां पर डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया गया है सभी लोगों को, सभी लोग साइमल्टेनियसली यहां पर फाइट करेंगे। तभी हांदा इस लिस्ट को सुनने के बाद एमसी से कह लगता है कि तुम्हारी किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा बुरी है ब्रो। तभी एमसी वहां से जाता है और उससे कह लगता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं जिसके बारे में हम कुछ कर सके, लगता है कि मुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से खेलना पड़ेगा अपने गेम को और मैं अपना बेस्ट दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला कि अगर मैं हार जाऊं या जीत जाऊं। तभी यहाँ पर कुछ लोग बातें करते हुए कह रहे होते हैं कि ये वाकई में बहुत शर्म वाली बात है कि हो जिंको वाकई में जियांग वैन के साथ फाइट करने के लिए करना पड़ रहा है वो भी पहले राउंड में। तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि ये जियांग वैन है, उसे देखकर साफ पता चलता है कि ये इस कंपटीशन का विनर होने वाला है, इस चैंपियन होने वाला है। आज बात करें हुजिंग के बारे में तो ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल स्पिरिट रियलमी पर है और यहीं पर हमारे एमसी की फाइट स्टार्ट होने वाली होती है इस बंदे के साथ। सबसे पहले हमारा एमसी सल्यूट करता है, उससे कह लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर थोड़ी बहुत दया दिखाएं। तभी बंदा हमारे एमसी से कह लगता है कि मैंने सुना है कि तुमने वाकई में होलिन को बुरी तरीके से पीट दिया था इससे पहले और तुम वाकई में बहुत ज्यादा रीति थी जरूर, तो मैं इसलिए तुम्हें मारने नहीं वाला। तभी हमारा एमसी अपने मार्शल स्पिरिट को बुलाता है और कह लगता है उस बंदे से कि चलो अब हम अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं मिस्टर जियांग, और मंकी किंग भी तैयार हो जाता फाइट करने के लिए। और हमारा एमसी फुल स्पीड में मिस्टर जियांग की तरफ बढ़ने लगता है और उससे कह लगता है कि तुम्हारे इस पावर की स्ट्रेंथ 3000 केजी है
आखिरकार तुम मुझे पंच क्यों नहीं करते हो? लेकिन वो बंदा हमारे एमसी के सभी अटैक को डॉज करने में कामयाब रहता है। हमारा एमसी उसे भड़काने की फुल कोशिश कर रहा होता है और उसे लगता है कि मैं भी यहाँ पर सुपर पावर के साथ पैदा हुआ था और मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि आखिरकार एक कल्टीवेटर के बीच में कितना ज्यादा गैप हो सकता है कि अगर वो 6th लेवल पर हो ऑली स्प्रिट रियलमी के और मैं 5th मॉडल रियलमी पे। क्या तुम इस बात को जानने में मेरी मदद कर सकते हो? तभी हमारा एमसी उसको चलाने के लिए उससे कह लगता है कि मिस्टर जैन आखिरकार तुमने अपने इन कपड़ों को कहाँ पर खरीदा? इनको देखकर तो साफ साफ किसी ताइची के कपड़ों जैसी याद आ रही है मुझे। वैसे एक बात बता, क्या तुम्हें ताइची के बारे में पता है? तुम्हारी जो एक्सप्रेशन है इसको देखकर ऐसा लगता है कि तुमने इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना है, ना ही तुम कोई टाइम ट्रेवलर हो। तुम्हें इस बात को लेकर शांति मिली है, मुझे रिलीफ मिला है। और तो और मैंने तुम्हें ये भी नोटिस किया है कि तुम दूसरे से फाइट करने के अलावा उनके अटैक्स को डॉज करना ज्यादा पसंद करते हो ताकि तुम अपने अपोनेंट्स की एनर्जी को बर्बाद कर सको और उसके बाद डायरेक्ट अटैक कर सको। और हमारा एमसी इस वक्त इतनी ज्यादा बकवास करने में लगा हुआ होता है और कह लगता है, क्या तुम वाकई में होली स्प्रिट रियलमी पर हो भी या नहीं हो? तुम्हें तो इतना ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए था कि तुम मुझसे फाइट करो। इतनी बकवास सुनने के बाद मंकी किंग की सटक जाती है और वो मंकी किंग चिल्लाते हुए उससे कह लगता है कि आखिरकार एक फाइट इतनी ज्यादा टॉर्चरस कैसे हो सकती है? तुम मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर क्यों करने में लगी हुई हो? यहाँ पर सिर्फ मंकी किंग की टॉर्चर नहीं होता है बल्कि मैं जो जानवी होता है वो भी बहुत ज्यादा टॉर्चर हो जाता है। और हमारा एमसी इसको देखकर काफी खुश होते हैं, उससे कह लगता है कि ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा अनॉयड हो चुका है। लगता है कि मेरा जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो चुका है, अब मैं इसके वीक पॉइंट को ढूंढ सकता हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और अगले ही पल वो हमारा एमसी अपनी फुल पावर के साथ मंकी किंग पंच का इस्तेमाल करने लगता है और मंकी डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है साथ में और उस बंदे को कई सारे पंचेस मारने लगता है, जिसको देखकर हंदा काफी खुश होने लगता है और कह लगता है कि जो मिस्टर हुओ है वो वाकई में इस मैच को जीतने वाले हैं। कम ऑन मिस्टर हुओ, आप कर सकते हो। तभी एमसी उसको मन में सोचते हुए कह लगता है कि मैं जल्दी इस मैच को जीत जाऊंगा। लगता है कि ये काफी आसान था, लेकिन अगले ही पल अचानक से उस बंदे के शरीर से अजीब तरीके की एनर्जी निकलने लगती है, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी घबरा जाता है और उस बंदे की आंखें ब्लैक हो जाती है। और तभी वो अपनी एक उंगली को आगे करता है और एक उंगली के साथ हमारा जो मंकी किंग होता है वो अचानक से बेहोश होने लगता है और उससे कुछ महसूस होता है और वो हमारे एमसी को बताता है कि इसकी जो मार्शल स्प्रिट है वो मुझे बता रही है कि ये मुझे कभी भी मारने के लिए तैयार है और मैं तुम्हें ये सलाह देना चाहता हूँ कि तुम कभी भी इस बंदे से जीत नहीं सकते हो। अभी तुम्हारे पास जितनी भी कल्टीवेशन मौजूद है उसका सहारे से अगर तुम इस तरीके से फाइट करते रहे तो तुम शायद मर सकते हो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि इसकी मार्शल स्प्रिट अभी अभी अपीयर हुई है और उसकी मार्शल स्प्रिट ने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से डरा दिया है मंकी किंग। तभी मंकी किंग भी कहने लगता है कि ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी, हम दोनों के जो पावर का गैप है वो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी मंकी किंग से वह कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी लिटिल चांस में नहीं है, थोड़ा सा मौका भी नहीं है इसे जीतने के लिए, यहाँ तक कि मैंने अभी तक इसकी मार्शल स्पीड भी नहीं देखी है। तभी मंकी किंग उसे बताने लगता है कि तुम्हारे फ्यूचर में अभी भी बहुत लंबा रास्ता है तुम्हें पावरफुल बनने के लिए, और इस तरीके से वो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और मन में सोचते हुए गुस्सा करने लगता है अपने आप पर और कहने लगता है कि मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता, मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा इसकी ट्रू पावर के बारे में और इसकी जो मिस्ट्री है मार्शल स्प्रिट की उसके बारे में। तभी वो अपनी सारी की सारी पावर को फुल फोर्स को रिलीज कर देता है और उस पर पंच करते हुए उससे कह लगता है कि इसकी पंच की जो पावर होने वाली है वो 1500 केजी होने वाली है। और इसे देखते हुए सामने वाला बंदा उससे कह लगता है कि तुम अभी मुझसे फाइट करना चाहते हो? तभी एमसी उसे हिट कर देता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कह लगता है कि फाइनली मैंने इसे हिट कर दिया। तभी वो बंदा फिट होने के बाद वो अपने आप को बॉडी को देखता है और उससे कह लगता है कि ये वाकई में दुखता है, तो अब मुझे समझ में आया कि हिट होने के बाद जो फीलिंग महसूस होती है वो ऐसी होती है। और इस चीज को देखते हुए हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है सरप्राइज होते हुए, क्या तुम्हें कभी भी फ्यूचर में अपने पूरी पूरी लाइफ में तुम्हारे कभी भी किसी ने हिट नहीं किया क्या? ये बंदा उसके देखकर कहने लगता है, खैर भूल जाओ, मुझे तुम्हें लगता है बताना ही पड़ेगा, लेकिन शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े इसके बदले में। तभी वो बंदा अपनी सुपर पावर को एक्टिवेट कर देता है और पता नहीं क्यों हमारे एमसी पर इतने प्रेशर पड़ने लगता है कि वो अपने पैरों पर भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा होता और हमारे उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और उससे कह लगता है कि ये अटैक किसी मार्शल स्प्रिट से आने में लगा हुआ है, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी घबरा जाता है और कह लगता है कितना हॉरिबल पावर है, आखिरकार ये किस तरीके की पावर है? अगर मैं यहाँ पर हार जाता हूँ तो मैं हार जाऊँ उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इसकी पावर की मिस्ट्री के बारे में पता लगाना होगा कम से कम। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत जोरदार धमाका हो जाता है और उस धमाके के साथ वो एरिना भी टूट जाता है और हमारा एमसी अपने घुटनों के बल वहीं पर टिक जाता है, लेकिन वो हार मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है और वो वापस से खड़ा होता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और सामने वाला बंदा हमारे एमसी को सलाह दे रहा होता है कि यही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम गिव अप कर दो, मैं तुम्हें वाकई में मारना नहीं चाहता। तभी एमसी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और तभी उसे महसूस करने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये किस तरीके की पावर का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है, तो उसे महसूस होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि न जाने कितने ज्यादा हाथ उसे पकड़ने में लगे हुए हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई ओवरलोडेड ग्रेविटी का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। और बात करें इस मार्शल कंटिनेंट में, स्प्रिट मार्शल कंटिनेंट में, यहाँ पर ग्रेविटी का कोई भी कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मार्शल स्प्रिट है उसके पास इस तरीके की पावर है जिससे कि वो अर्थ को कंट्रोल कर सके। और यहाँ पर मैंने इतने भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ चुके हैं और जिसने भी इस तरीके की पावर का इस्तेमाल किया था वो मार्शल स्प्रिट में जो मार्शल स्प्रिट है जिसके पास भी थी वो एग्जिस्ट करता था 1000 साल पहले। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो विक्टोरियस फाइटिंग स्प्रिट है उसने मुझसे कहा था कि मैं इससे जीत नहीं सकता, अगर यहाँ पर मैं गिव अप नहीं करता हूँ तो शायद मैं मर सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से हार भी नहीं मानना चाहता।
तभी वहां पर वो जज आता है और अनाउंस कर देता है कि युवो जिंग वर्सेस जियांग वेन की जो फाइट थी उसमें जियांग वेन जीत चुका है, लेकिन हमारा एमसी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और उससे क्या लगता है कि ये अनफेयर है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है कि वो बेहोश हो जाता है वहीं पर, और जब हमारे एमसी को यहाँ पर होश आता है तो वो अपने आप को वो अपने बेड पर देख पाता है और वो टोटली कंफ्यूज होता है इस बात को लेकर, और वह उस जज पर चिल्लाते हुए उससे कह लगता है कि वो तियांजो आखिरकार तुमने मेरे लॉस के बारे में मेरे हार के बारे में पहले ही अनाउंस क्यों कर दिया था। तभी वो जज उसे बताने लगता है कि हे चाइल्ड लिली तुम वहां पर मर गए होते अगर मैंने वहां पर अनाउंस नहीं किया होता तुम्हारे हार के बारे में। तो तभी हमारा एमसी वापस से खड़ा होता है और उससे कह लगता है कि खैर इस बारे में भूल जाओ, मैं इस बारे में और ज्यादा बात नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ और नेक्स्ट कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। तभी वो तियांजो यानी कि वो बॉडीगार्ड जिसको हायर किया था वो बंदा उसको वहीं पर रोक देता है और उससे कह लगता है कि जो कंपटीशन है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है चाइल्ड लिली, और बात करें फाइनल रैंक के बारे में तो यह रही भाई उसकी लिस्ट, और ये काफी अच्छी बात हुई कि तुम यहाँ पर हार चुके हो वरना तुम अगर चैंपियन बन जाते तो ये काफी तक बुरी बात होती। यहाँ पर पोजीशन होती है पहली वाली जियांग वेन की, दूसरी होती है जियो याबो की, तीसरी होती है जियान वे की। तभी उसका बॉडीगार्ड उसे बताने लगता है कि ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता कि अगर जो विनिंग प्राइस थी वो लौटकर तुम्हारे पास आ जाती तो इस ऑर्गेनाइज्ड की इस कंपटीशन की। तो तभी एमसी उस लिस्ट को देखने के बाद कह लगता है कि खैर वो सब छोड़ो, खैर भूल जाओ इस बारे में, जो लोग हमें चीट करना चाहते थे हमने उनसे ऑलरेडी छुटकारा पा लिया है। अब वो तियांजो हम जल्दी से जाकर जियांग वेन के साथ मिलना चाहेंगे, एक बार हम सारे के सारे मैटर को क्लीन अप कर दें उसके बाद। और नेक्स्ट सीन में हम उन तीन कंपटीटर को एक साथ बैठे हुए दिखाया जाता है, यहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि हमारे यंग मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं। तभी हमारा एमसी उन सभी का स्वागत करता है और उससे कह लगता है कि आप सभी का हमारे एलिमेंशन में स्वागत है और आप सभी से मिलकर मुझे भी अच्छा लगा, मुझे इस बात का डर है उस बात का बहुत ज्यादा खेद है कि मैंने आप सभी के कॉम्पिटिशन को देखने में कामयाब नहीं रह पाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी उस वक्त, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बदले में आप मुझे दूसरा मौका दोगे और हमारे इस मेंशन में आप रुकोगे कुछ समय के लिए। ये बात सुनकर वो सभी के सभी लोग हमारे यंग मास्टर का स्वागत करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। जो तीसरे वाला टगलू वाला बंदा होता है वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे लगा था कि ये यहाँ पर हमें जबरदस्ती फोर्स करेगा अपनी ली फैमिली में रुकने के लिए एल्डर्स के तौर पर। और तभी हमारे एमसी एल्डर बू को बुलाता है और उससे कहने लगता है क्या तुमने इन सभी के अवार्ड्स को इन्हें दे दिया है क्या, आखिरकार ये टॉप 3 की पोजीशन पर आए थे उसके बदले मुझे रिवॉर्ड मिलना था उन्हें। ये बात सुनने के बाद वो एल्डर बू उससे कहने लगता है कि मास्टर हमने इस बारे में जो इशू है इस मैटर के बारे में आपसे बात नहीं की है और जो एल्डर्स का जो पोजीशन थी उसके बारे में भी नहीं बात की, तो मैंने सोचा था कि इन सभी के बारे में हम पहले को बात कर ले फिर डिसाइड करेंगे। ये सुनने के बाद एमसी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हैं उनसे कह लगता है कि तुम्हें तो जो लोग अपने दम पर जिस रिवॉर्ड को जीते हैं वो रिवॉर्ड तुम उन्हें फटाफट से दे दो पहली फुर्सत में, और वो बटलर मान जाता है और उन सभी से माफी मांगते हैं। उससे कह लगता है कि हमें इस बात के लिए माफ कर देना कि हमारी तरफ से इतनी ज्यादा गलती हो गई। तभी वो बंदा हमारे एमसी को सीट पर बिठाता है, उससे कह लगता है कि आपको सबसे पहले बैठ जाना चाहिए मास्टर ली, आप अगर इस तरीके से गुस्सा करोगे तो ठीक नहीं रहेगा आपकी सेहत के लिए, अगर हम आपकी फैमिली का एल्डर बनने के लिए नहीं मानते हैं तो हम वाकई में आपके जो 100,000 टेल्स है वो बिना किसी मतलब के ले जाएंगे, और ये रीजनेबल वाली बात है कि आप मुझे हमें पहले पैसे ना दो, ये बात रीजनेबल है। तभी एमसी मिस्टर जियांग का हाथ पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि आपको इस तरीके से बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है वो पूरे के पूरे कांगजिया प्रोविंस में फैल चुका है और इसी के कारण आपने जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी ना वो भी उसके कारण फैला हुआ था मशहूर हुआ, और ये एक ऐसी चीज है जिसे हम लोग पैसों से नहीं खरीद सकते। ये बात सुनने के बाद वो बंदा मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि ये बंदा इतना ज्यादा समझदार होगा। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि भले ही मैंने तुम्हारा जो कंपटीशन है वो नहीं देखा था लेकिन एल्डर बू ने आपकी बहुत ज्यादा तारीफ की थी उस जिस मूवमेंट पर जब मैं आपसे मिला तो मुझे समझ गया था कि मैं आपके साथ अच्छी तरीके से फ्यूचर में अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं और इसलिए मैं आपके साथ अपने मार्शल स्पिरिट के बारे में बात करना चाहता हूँ तुम्हारी मार्शल स्पिरिट के बारे में। ये बात सुनने के बाद वो उससे कह लगता है कि जैसा कि मन में सोचते कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये मेरे कल्टीवेशन मेथड के बारे में जानना चाहता है। और तभी हमारा एमसी एक बुक निकालता है, उससे कह लगता है कि ये एक ऐसी मेथड है जिसे हम लोग इस्तेमाल कर विजुलाइज कर सकते हैं व्हाइट टाइगर के गुहो फैमिली के, और मिस्टर जी हम लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है कि हम इस बुक को समझ सके, क्या आप इस बुक को देखकर हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत कमेंट देकर बता सकते हैं। इसको देखकर मिस्टर जियांग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि भले ही ये मुझसे कमेंट के लिए पूछने में लगा हुआ है लेकिन ये इतनी अच्छी चीज को मुझे ऐसे ही दे रहा है, अगर कोई बंदा हॉली स्पीड रियलमी पर ऑलरेडी पहुंच चुका है तो उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट वाली बात होगी जितनी ज्यादा उसके पास कल्टीवेशन करने के लिए टेक्निक्स मौजूद होगी क्योंकि उसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो 12 ईयर बीस्ट में कन्वर्ट हो सकती है जिस तरीके से अपन विजुअला मार्शल स्पिरिट टेक्निक हो उसके पास, तो लगता है कि मैंने इसको गलत समझ लिया था। और तभी मिस्टर जियांग उसकी बुक को पकड़कर उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर ली, मैं आपके मेंशन में रुकने के लिए तैयार हूँ कुछ दिनों के लिए और मैं इस बुक को अच्छी तरीके से रीड कर आपको एक्सप्लेन करके जरूर बता दूंगा। दूसरी तरफ से जो एल्डर होता है वो हमारे एमसी के इस तरीके के व्यवहार को देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि हमारे यंग मास्टर बाकी में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, यहाँ पर इस बंदे को रोक लिया है हमारे मेंशन में रुकने के लिए, मना भी लिया है कितनी आसानी से, लगता है कि अब वो हमारे फैमिली के एल्डर बनने के लिए भी तैयार है। तभी एमसी वहाँ पर एल्डर बू को बुलाता है और उससे क्या लगता है क्या आप वहाँ पर जिस एल्डर लीजी थे ना जिसे मैंने भेजा था माइंड में
वो वापस आ गए हैं क्या? लगता है कि अब समय आ चुका है कि इन 3 सीनियर्स को इनके जो गिफ्ट है वो तैयार किए गए थे वो दे दिए जाए। ये बात सुनने के बाद वो बंदा एल्डर बूथ से कहने लगता है, ओ शिट, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, मैं जल्दी से जाकर उनसे चेक कर कराता हूँ। तभी कहानी शिफ्ट होती है एल्डर लीजे पर, जो कि बाहर खड़े हुए होते हैं कई सारे कपड़े मतलब कुछ पोटली बोटली बांध कर अपने शरीर पर, और कहने लगता है उससे एल्डर बूथ से, क्या अब मेरी बारी है वहां पर अंदर जाने की? तभी एल्डर बूथ उसका थपड़ा बिगाड़ देते हैं, उसका शक्ल बिगाड़ देते हैं और उससे कहने लगता है कि हाँ अब तुम्हारी बारी एक्टिंग करने की, और तुम्हें ऐसे एक्टिंग करना है जैसे कि तुम बहुत ज्यादा लॉन्ग ट्रिप से वापस आए हुए हो। तभी एल्डर जी भागते हैं उसकी तरफ आते हैं और उससे कह लगते हैं कि आपने जो हमें टास्क दिया था वो मैंने खत्म कर लिया है, आप इन आइटम्स को चेक कर सकते हो। और वो उन्हें दिखाने लगता है और उससे कह लगता है कि मिस्टर जवान, इस जो दो एक्सेस है उनके जो हैंडल बनाए गए हैं वो रेयर आयरन वुड से बनाए गए हैं, और इन्हें पाने के लिए मैंने कई दिन और रात बहुत ज्यादा सर्च किया था। इसको देखकर वो काफी खुश हो जाता है और उससे कह लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसके जो हैंडल्स हैं वो वाकई में मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होने में लगे हुए हैं, जो इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे आर्म मेरे शरीर का एक हिस्सा हो। तभी वो एक स्वॉर्ड उठाता है और उससे कह लगता है कि मिस्टर जी, वो जो स्वॉर्ड आपके लिए है, और इस स्वॉर्ड का मुझे लगता है कि फायदा होगा इसके इसके स्पेशल डिजाइन को छोड़कर, और इसकी जो ग्रूप्स है इस ब्लेड की वो परफेक्ट है किसी चीज को काटने के लिए। तुम्हारा जो अपोनेंट है अगर वो तुमसे फाइट करता है और इससे हर्ट होता है तो वो बंदा वो कभी भी जीत नहीं सकता आपसे। इस स्वॉर्ड को देखकर वो बंदा काफी खुश हो जाता है और उससे लगता है कि मास्टर ली, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस स्टील स्वॉर्ड का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करूंगा और कई सारे विल्ड बोर्स को काटने में इस्तेमाल करूंगा और आपको उस विल्ड बोर का मीट भी खिलाऊंगा। तभी हमारा एमसी काफी खुश होते हैं, उससे कह लगता है कि वाकई में ये अच्छी बात है कि इस तरीके की ग्रेट स्वॉर्ड हमेशा ग्रेट वॉरियर को ही मिलना चाहिए, लगता है कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। और तभी वो दोनों के दोनों अपने गिफ्ट को पाकर काफी खुश हो जाते हैं और उससे कह लगता है कि अब जबकि तुमने इतने ज्यादा ध्यान देने में लगे हो हम दोनों पर, तो हमने भी ये डिसाइड कर लिया है और ये जानना चाहते हैं कि आपने मिस्टर जियांग के लिए क्या तैयार किया है। तभी वो बंदा उस पोटली को खोलता है और उससे कह लगता है कि इस चीज को हासिल करने के लिए मुझे काफी ज्यादा एफर्ट का सामना करना पड़ा, ये जो तीसरा पार्सल है वो इनके लिए है मिस्टर जियांग के लिए। और जैसे ही वो तीसरा पार्सल को खोलता है तो उसमें कुछ बॉटल्स होती हैं जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और वो बंदा उस लीजी को दूर फेंकता है और उससे कह लगता है कि आखिरकार तुम्हारे इस तरीके का करने का मतलब क्या है मिस्टर जियांग, आप मिस्टर जियांग को इस तरीके से बेवकूफ कैसे बना सकते हो धूल देकर मट्टी देकर। ये देखकर वो लीजी काफी ज्यादा सफरात हो जाता है। तभी हमारा एमसी एल्डर लीजी को खड़ा करता है और उससे कह लगता है कि आखिरकार इसने सिर्फ वही किया है जो कि मैंने उससे करने के लिए कहा था, अगर तुम वाकई में इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हो तो तुम मुझ पर अटैक कर सकते हो। तभी वो उस एक्स को गिरा देता है वहीं पर और बंदा कह लगता है कि मास्टर जी, मुझे माफ कर देना इस ऑफेंस के लिए, लेकिन अब जबकि आप हम सभी को इस तरीके से यहाँ पर नहीं रखना चाहते हो तो मैं आपके इस वेपन को वापस करना चाहूंगा। तभी हमारा एमसी उससे कह लगता है कि जवान भाई, मुझे पता है कि तुम अपने वाकई में फ्रेंडशिप निभाना चाहते हो अपने दोस्त को, लेकिन तुम्हारे पास इतनी ज्यादा अच्छे का टेंपर नहीं है तुम्हारे पास, ना ही तुम्हारे पास इतनी अच्छी तरीके की जान पहचान है या फिर अकल है तुम्हारे, क्योंकि ये जो गिफ्ट है वो मैंने मिस्टर जियांग के लिए तैयार किया था, तुम उसी से क्यों नहीं पूछते हो कि आखिर ये चीज उसके काम आती है या फिर नहीं। और तभी वो मिस्टर जियांग उस मिट्टी को चेक करने लगता है और सरप्राइज होती है, उससे कह लगता है कि आखिरकार तुम्हें मेरी मार्शल स्पिरिट के बारे में कैसे पता। ये सुनने के बाद हमारा एमसी हंसते लगता है और उससे कह लगता है कि भले ही मैं मॉर्टल स्पिरिट रियल में पर हूं, लेकिन तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि मैं मास्टर हूं ली फैमिली का, तो ये नेचुरल वाली बात है कि मेरे पास इतनी नॉलेज तो होगी होगी, और मैंने उस वक्त इसे गैस कर दिया था जब मैंने तुम्हारी डिस्क्रिप्शन के बारे में दूसरे लोगों से सुना था। ये बात सुनने के बाद उस जियांग को गुस्सा आ जाती है और वो हमारे एमसी की गर्दन पकड़ लेता है और सभी के सब लोग ये देखकर घबरा जाते हैं और उसके साथ ही उसे लेकर कहने लगते हैं कि जियांग वैन, तुम्हें हमारे मास्टर के लिए थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए। तभी हमारा एमसी उसे रोक देता है, जिसे देखकर मिस्टर जियांग घबरा जाता है और उसे छोड़ देता है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें इसके लिए सीक्रेट रखना होगा इस मैटर को। तभी वो बंदा कहने लगता है कि बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं, और हमारा एमसी मिस्टर जियांग के कान के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें सच सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे बारे में इसलिए पता हुआ है कि मैं ही हुआ सिंह हूं जिसने तुम्हारे साथ उधर फाइट की थी। ये बात जानने के बाद वह बंदा काफी शौक से भर जाता है और वो तुरंत अपने घुटनों पर उससे सैल्यूट करते हुए कह लगता है कि मैं यहाँ पर ली फैमिली का एल्डर बनने के लिए तैयार हूँ। और वह दोनों को दोनों भी काफी कंफ्यूज रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ मिस्टर जियांग। तभी मिस्टर जियांग उसे समझाते हैं और उससे कह लगते हैं कि देखने में तो जी सिंपली बस धूल लग रही होगी, लेकिन शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि इस मिट्टी के अंदर कई सारे अलग अलग तरीके की मिट्टियां भी मौजूद है और जिन्हें ढूंढना काफी ज्यादा कलेक्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि ये चीज मेरी मार्शल स्पिरिट को कल्टीवेट करने में मेरी मदद कर सकती है। सभी के खुद के एम्बिशंस होते हैं, सभी की खुद की इच्छाएं होती हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे चक्कर में यहाँ पर जगह को छोड़कर जाओ। और बात करें मार्शल के करेज के बारे में तो उनकी जो पावर है और उनकी जो इंसाइट्स हैं वो हमसे बहुत ज्यादा आगे है, तो इसलिए मैं ली फैमिली को ज्वाइन करने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद वो दोनों के दोनों का एग्री हो जाते हैं और उससे कह लगते हैं ऑफकोर्स ये बात है कि हम भी मिस्टर जियांग को फॉलो करेंगे, वरना आपको क्या लगता है कि हम लोग वाकई में गु फैमिली के साथ जुड़ जाएंगे और तुम्हारे अपोनेंट बन जाएंगे। और वह दोनों के दोनों भी हमारे एमसी की ली फैमिली को जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उससे कह लगती है मास्टर ली, हम लोग आप वाकई में बहुत ज्यादा जेनरस हैं और आप अटेंटिव हैं, हमारा ध्यान रख रहे हो, तो इसलिए हम लोग भी ली फैमिली को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तभी हमारा एमसी उन दोनों को खड़ा करने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर तुम लीडर को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो तुम्हारी जो गैंग है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है, जो कहानी कह जाती थी, जो कहावत कही जाती थी वो वाकई में सच निकली, अब जबकि ये तीनों की तीनों मेरे पास आ चुके हैं तो कोई भी और फैमिली हमारे फैमिली पर अटैक नहीं करेगी। और तभी उन सभी से कहने लगता है हमारा एमसी कि तुम सभी को जाकर आराम करना चाहिए, तुम सभी काफी ज्यादा थक चुके होगे और मैं तुम्हें रात को बहुत बढ़िया लंच खिलाऊंगा। और जैसे वो लोग जाने लगते हैं तभी हमारा एमसी वो तियांजू
को वहीं पर रोकता है। तभी जो एल्डर वहां पर रुकते हैं और पीछे मुड़कर उसको देखकर कहने लगता है कि मास्टर आपको मुझसे क्या चाहिए। तभी हमारा एमसी से कहने लगता है कि आज हम लोग बहुत बढ़िया बड़ी पार्टी रखने वाले हैं और इस न्यूज के बारे में सभी सभी लोगों को बता दो कि हमारी फैमिली में 3 एल्डर्स और जुड़ चुके हैं, वो भी होली स्पिरिट रियलमी पर, जो कि हमारे घर पर मौजूद है। और टोटल मिलाकर हमारे पास 8 एल्डर्स मौजूद है टोटल मिलाकर। ये बात सुनकर एल्डर वो सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं 8 एल्डर। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि मैं एल्डर मैं ग्रांड जो फीस होने वाला है, जो पार्टी होने वाली है, मैं आपको ग्रांड एल्डर के तौर पर वहां पर अनाउंस कर दूंगा। अब जबकि हमारे पास हुआ युन है, जियांग बान है, जुआन वेई है, जुओ यीबाओ है और सभी सभी लोग यहां पर मौजूद है। तो सभी को मिलाकर हमारे पास टोटल मिलाकर 5 एल्डर्स हो चुके हैं। और बात करें ली सी, ली हू और ली जे के बारे में, तो वो जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट हो चुके हैं। और बाकी के जो लोग हैं वो इस बारे में सोचेंगे कि 3 सबसे ज्यादा पावरफुल लोग जुड़ने के बाद ये तीनों के तीनों जो है वो होली स्पिरिट रियलमी पर जल्दी पहुंच जाएंगे। अब जब इन 5 के साथ ये तीनों जुड़ चुके हैं, जो कि कुछ भी पहुंची नहीं है अभी तक होली स्पिरिट तक, सभी लोग तो यही सोचेंगे ना कि ये पावरफुल है। ये बात सुनकर एल्डर वो काफी एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और उससे कह लगता है कि मास्टर आपने तो कतई कमाल कर दिया है। तभी वहां पर कोई बंदा अपने बारे में बताता है और उससे कह लगता है क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं वही बंदा हूं जिसने हुआ फैमिली पर मैसेज डिलीवर किया था। तभी नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी कहीं पर जाता है और उन सभी से कहने लगता है कि हांदा तुम इस दरवाजे को खोल सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आया हुआ हूं। तभी हांदा दरवाजा खोलता और कहने लगता है कि मिस्टर हुआ, लेकिन देखता है तो वो तो होता ही नहीं उसके आसपास। और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो? और वो हमारे एमसी के गर्दन पर स्वॉर्ड रखकर उससे कहने लगता है कि तुम यहां पर क्या करने में लगे हो, वो भी इतनी रात को। तभी हमारा एमसी काफी शौक में पड़ जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि शिट, मैं तो ये भूल ही गया था कि ये मुझे पहचान नहीं पाएगा क्योंकि मैंने उस वक्त डिस्कस कर बैठा हुआ था और इस वक्त मैं अपने असली रूप में हूँ यहाँ पर। और तभी वो उससे कहने लगता है और बताने लगता है कि यहाँ पर क्लेमेटिस है ना, यानी कि इसकी बीमारी के बारे में बात कर रहा है। ये देखकर हांदा काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला और मेरे साथ ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अपने हाथों से अभी मार दूंगा। लेकिन हमारा एमसी अपनी टांग अड़ाकर उसे गिरा देता है और उसके अटैक से डॉज करने में कामयाब रहता है और उससे कहने लगता है कि हांदा मेरा नाम हुआ जंग है, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्या? हम लोगों ने एक साथ मिलकर ड्रिंक किया था और वहां पर 2 लोग और भी थे जो कि मॉडल स्पिरिट रियलमी पर थे इससे पहले। और तो और मैंने तुमसे ये वादा किया था कि मैं तुम्हें ली मैंसन पर जरूर मिलवाऊंगा। ये बात सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी हमारा एमसी से कहने लगता है और बताने लगता है कि मैंने क्लेमेटिस फ्लावर का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि मैं अपनी स्किन का कलर को बदल सकूं। अब तुम मेरे चेहरे को ध्यान से देख सकते हो, अगर तुम पर मेरी बात पर भरोसा नहीं होता है तो। तभी वो माफी मांगता है हांदा उससे और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा आपको इस तरीके से गुस्सा दिलाने के लिए, ऑफेंड करने के लिए मिस्टर हुआ। लेकिन हमारा एमसी उसको खड़ा करता है और उससे कहने लगता है कि तुम इस सबके बारे में भूल जाओ, सबसे पहले तुम खड़े हो जाओ, मैं यहाँ पर अपना वादा तुमसे निभाने के लिए आया हुआ हूँ क्योंकि जो ली मैंसन है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें वो चीफ की तरह पर हायर करने वाले हैं अपने गार्ड्स के लिए, वो भी जूनियर गार्ड्स के लिए। ये बात सुनने के बाद हंदू उतर कंफ्यूज हो जाता है हंदा और उससे क्या लगता है मिस्टर हुआ क्या आपने ज्यादा ही पी रखी है क्या? मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ एक गार्ड बनने के लिए, लेकिन वो कभी भी इस तरीके के अजीब इंसान को और जिसको वो जानते भी नहीं है उसे चीफ क्यों बनाने लगे? तभी हमारा एमसी उससे कह लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वह सब किसी भी आउटसाइडर को नहीं चीफ बनाएंगे, लेकिन क्या होगा अगर कोई यंग मास्टर ली फैमिली का उसे खुद चुने तो? और तभी वे अपनी रिंग वहां पर उसके सामने रख देता है और जैसे ही हांदा उस रिंग को देखता है तो उससे कह लगता है कि मिस्टर हुआ तुम, और वह समझ जाता है कि वो हमारा एमसी और कोई नहीं बल्कि मैं चाइल्ड ली होता है ली फैमिली का यंग मास्टर। और एमसी मन में सोचते हुए कह लगता है कि हमारी फैमिली में फाइनली 8 एल्डर आ चुके हैं, अब जबकि हमारे पास जूनियर गार्ड्स मौजूद है जिसे हांदा के द्वारा लीड किया जाएगा फाइनली अब हमें कोई फैमिली से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तब कहानी शिफ्ट होती है उसके बटलर के पास, वह पहुंच जाता है और कहने लगता है कि अब जबकि हमारी फैमिली है उसने अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी कांगड़ा सिटी में अपने दबदबा जमा लिया है, अब सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात मेरे को जो परेशान करती है वो और कुछ नहीं बल्कि मैं लियो यिंगयिंग है, उसकी जो स्लीप वॉकिंग है ना वो। और अगले ही पल वहां पर हमें हमारी एमसी की मदर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आने के बाद कहने लगती है कि यानजान ने मुझसे कहा था कि वो चेंजियांग कोर्ट में जाना चाहती है और मैं भी वहां पर जाना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी टोटली कंफ्यूज हो रहा होता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये यानजान कौन है? तभी उसके फादर की 4th कंक्यूबाइन उसके पास आती है और उससे कहने लगते है कि मास्टर जो यिंगयिंग है वो मुझे अभी यानजान कहकर बुलाने में लगी हुई कुछ दिनों से। इसको देखने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें शायद ये बात भूल रही हो कि जो मेरी मॉम है वो स्लीप वॉक करती है वो भी रात के समय पर, और अगर मैं इसे बाहर घुमाने के लिए ले जाता हूँ तो ये इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन क्या करें, उसकी मॉम सीधे जाकर हमारे एमसी के गले लग जाती है, वो भी ऐसे लग रही होती है जैसे कि यार छोड़ो यार डायरेक्शन नहीं घुमाना चाहता और गलत डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता। और वो जाकर गले लगने के बाद उससे कहने लगती है कि डियर प्लीज मुझे मीट कैंडी खानी है, मुझे बाहर घुमाने ले चलो। तभी हमारा एमसी घबराने लगता है और कहने लगता है कि मीट कैंडी ये तो कॉमन कैंडी है, मैंने सही कहा ना? तभी उसकी मॉम उसे बताने लगती है नहीं ये कोई कॉमन कैंडी नहीं है बल्कि मैं तुम्हारे जो फादर है वो मुझे ज्यादातर दिया करते थे और ये काफी डिलीशियस भी रह करती थी और काफी हार्ड भी। ओ माय गॉड, ये बात समझने के बाद हमारा एमसी के चेहरे पूरी की तरह लाल पड़ जाता है कि आखिरकार ये किस मीट कैंडी की बात चल रही है यहाँ पर जो कि बहुत डिलीशियस बहुत हार्ड रहती है।
है भाई, डायरेक्शन में कहीं और नहीं ले जाना चाहता, लेकिन ज्यादा लोग बकवास मत करना ठीक है, भूल जाओ इस बारे में। ये बात सुनने के बाद एमसी सरप्राइज होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है, लगता है कि मैं अपने दिमाग में कुछ ज्यादा ही सोचने में लगा हुआ हूँ। लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो बटलर होता है और जो फोर्थ कंकुबाइन होती है उसकी फादर की, वो भी यही सोचने में लगे हुए होते हैं और उसको घूर घूर कर दिख रहे होते हैं। और तभी हमारा एमसी अपनी मॉम की बात से एग्री हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है इस बार मैं भूल जाऊँ, मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए जाऊंगा। और ये बात सुनकर उसकी मॉम इतनी तो खुश हो जाती है कि वो हमारे एमसी के चिपक जाती है बहुत ज्यादा जोर से। और अगले ही पल में हमारे एमसी, उसकी मॉम, फोर्थ कंक्यूबाइन और जो फीमेल एल्डर थी वो वहां पर दिखाया जाता है, जो कि ऑलरेडी चेंजिंग कोर्ट मास्टर पर पहुंच चुके हैं। और तभी वहां से एक बंदा बाहर निकलता है और इस बंदा और कोई नहीं बल्कि इसका नाम ब्लू ची होता है, जो कि 9th लेवल पर है मॉडल स्प्रिट रियलमी के। वो बाहर निकलने के बाद उन सभी से कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मास्टर ली, आप लोग अंदर आ सकते हो। और जब सभी लोग अंदर जा रहे होते हैं तभी एल्डर उससे कहने लगती है कि मास्टर यहाँ पर 10 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट मौजूद है, लू ची और यहाँ के जो अबर्ड है, यहाँ के जो लीडर है, यहाँ के जो पंडित जी है ना, वो 9th लेवल पर है मॉडल स्प्रिट रियलमी के और बाकी के लोग 5th लेवल पर है। तो हमें लगता है कि हम लोग यहाँ पर आराम से आराम कर सकते हैं आज के दिन। तभी हमारा एमसी उस एल्डर से कहने लगता है कि तुम्हें रात के समय में अगर ध्यान देना है तो एक एक करके टर्न अपना अपना करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। और तभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सोलेंगे चले जाते हैं और वो एल्डर हमारे एमसी के पास आती है और उससे कहने लगती है कि मास्टर क्या आप वाकई में इस बात को लेकर चिंतित हो कि जो कई साल पहले एक फॉक्स को लेकर जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने ये भी सुना था कि जो चेंजियांग है वो एक समय पर एक गाँव हुआ करता था और उस समय पर लियू वहाँ पर सबसे ज्यादा अमीर बंदा हुआ करता था इस गांव का, और इसका जो बेटा था वो कांगर सिटी में एक स्मॉल बिजनेस चलाया करता था। और एक समय की बात है, सर्दियों का समय था, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और आसमान से बर्फ गिर रही थी और मिस्टर लियू वहाँ पर अपने घर के दरवाजे से बर्फ हटाने में लगे हुए थे। तभी उस बर्फ में वहाँ पर उसने एक लड़की को बेहोश हुआ पाया था और उस लड़की को इस तरीके से देखकर जब उसने चेक किया तो पता चला कि वो लड़की जिंदा थी, जिससे उसकी जान बचाने के लिए वो अपने घर पर उसको लेकर आ गए। पर एक बार वो लड़की को जैसे होश आया तो उसने मिस्टर लियू को बता दिया उसके नाम के बारे में कि उसका नाम हु मेई था और वो कांगर सिटी की तरह बढ़ने में लगी हुई थी, जहाँ पर उसके रिलेटिव्स ने उसे बुलाया था उसकी फैमिली के लिए। लेकिन बदकिस्मती से उनकी मुलाकात बंदित से हो गई, जाने की डाकुओं से हो गई और वो सिर्फ पूरी की पूरी फैमिली तमा हो गई उसकी और उस पूरी पूरी फैमिली में अकेली बंदी यही बची है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर ली को इस पर दया हो गई और उसने अपनी डॉटर की तरह से ट्रीट किया और उसका ख्याल रखने लगे कि अपनी बेटी की तरह। लेकिन अचानक से एक दिन की बात है, तब उसका बेटा, मिस्टर ली का बेटा, अचानक से स्प्रिंग फेस्टिवल में नशे की हालत में घर पर आता है और अचानक से आने के बाद अपने घर में एक ब्यूटीफुल लड़की को देखकर वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उस लड़की का फायदा उठाना चाहता था। और उस रात को उस बंदे ने, यानी कि मिस्टर लियू के बेटे ने, उस लड़की का रेप कर दिया था, उस हुमेई का, वो भी नशे की हालत में। और हुमेई इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कमिट कर लिया उसके बगल में जो कुआ था उसमें कूदकर। और उसके मरने के बाद से यहाँ पर कई लोग हैं जो कि वहाँ पर बड़ी अजीब अजीब तरीके की आवाजें सुनते हैं, वहाँ पर रेड फॉक्स भी देखते हैं इस विलेज में नाइट को घूमते समय। और ये भी कहानी बनने लगी यहाँ पर कि जो हुमेई उसके मरने के बाद उसकी जो हेटरेड है, उसकी जो नफरत है, उसके कारण ये डीमन फॉक्स में कन्वर्ट हो चुकी है अपने बदला लेने के लिए उस लियू के बेटे से। और उसके बाद लियू और उसकी फैमिली ने इस विलेज को छोड़ दिया और जिस तरीके से ये विलेज है वो डिक्लाइन में चला गया। तभी वो एल्डर उसे बताने लगती है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लियू ची है वो एक मॉन्क, वह उसने उस चेंजियांग कोर्ट में यहाँ पर अपना घर बनाया है जब वो यहाँ से गुजरने में लगा हुआ था और इसने यहाँ पर जब इस इविल लियू को देखा तो सरप्राइज करने के लिए यहाँ पर इसने अपना टेम्पल बना लिया है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन किसी तरीके से मुझे यहाँ पर ऐसा फील होता है कि जो इविल क्यू है वो असलियत में उसे सप्रेस नहीं किया गया। और जब इनकी बातें चली रही होती हैं तभी सामने हमारा एमसी अपनी मदर को पाता है और वो देखता है कि उसकी मदर में से अजीब तरीके की एनर्जी निकलने में लगी हुई है, जिसको देखकर वो अपनी मॉम के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम स्लीप वॉकिंग फिर से कर रही हो क्या। तभी उसकी मॉम वापस से अच्छी तरीके से व्यवहार करती है और उससे कहने लगती है हमारे एमसी से कि सर आपको मैं ग्रीट करती हूँ, मेरा नाम हुमेई है। जैसे ही हमारा एमसी हुमेई का नाम सुनता है तो वो कहीं शॉक हो जाता है और वो घबराती है, उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में हुमेई हो। तभी उसकी मॉम अचानक से अपने हाथ को ऊपर कर इधर उधर हाथ को घुमाने लगती है और उसके बॉडी की तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी जाने लगती है और हमारा एमसी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा सफरत हो जाता है। और अगले ही पल वो अपने आप को कहीं और पर पाता है और कंफ्यूज होते हुए उधर उधर देखता है और कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम से जैसी दिखने वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक गिलास लेकर सभी से कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पर आने के लिए तुम सभी का, मैं यहाँ पर एक मैजिक ट्रिक को परफॉर्म करने वाली हूँ तुम सभी के लिए, अगर आप सभी के सभी लोग इस गिलास को कॉइन से भरने में कामयाब रहे तो मैं उसके गुलाम बनने के लिए, उसकी स्लेव बनने के लिए पूरी जिंदगी भर के लिए तैयार रहूंगी। और आसपास के लोग जब इसे देखते हैं तो इसको सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम इस ग्लास को भरना चाहते हो तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग 100 कॉपर कॉइंस का इस्तेमाल कर ले तो शायद इसे भर सकते हैं। अगर हम इस तरह की वीडियो को अपने घर पर ले जाते हैं तो 100 कॉपर कॉइंस हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी ये चीज, तो अगर मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की से शादी कर सकूं। तभी वहां पर एंट्री होती है एक ठरकी बुड्ढे की, जिसकी नजर देखकर ही पता चल रहा होता है कि इसकी लाट पकड़ रही होती है इस लड़की को देखने के बाद। तभी वो अपने हाथों में कुछ कॉइन लेकर आता
और उससे कहने लगता है कि हे लड़की, जो तुमने अभी भी कहा है तुम अपनी बातों से पलटना मत। जब हमारा एमसी उसको देखता है तो कहने लगता है कि जरा इस बास्टर्ड को देखो, यहाँ पर जवान लड़की देखे नहीं, और उसकी ठक बाहर निकलने लगी। और उसके पास जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सभी के सभी कॉइन्स को उन ग्लास में गिराने लगता है। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि वो ग्लास पूरी तरीके से भर जाता है, लेकिन अचानक से धमा एकदम से मैजिक होता है और वो सभी के सभी कॉइन बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। इसको देखकर वो बंदा और भी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे ये सब क्या हो गया, सबके सभी छोटे कैसे हो गए। तभी वो लड़की उन सभी से कहने लगती है, लगता है कि जो मेरी मैजिक ट्रिक थी वो फाइनली यहाँ पर काम करने में लगी हुई है, क्या यहाँ पर कोई और दूसरा बंदा है जो कि ट्राई करना चाहता है। तभी एक और बंदा आता है और पैसों की लड़ी लाकर उससे कहने लगता है कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें भर नहीं पाऊंगा। और वो अपने सभी के सभी पैसों को उसमें जाकर ग्लास में रख देता है। लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है कि वो ग्लास तो पूरी तरीके से खाली हो जाता है, फिर से वो छोटा हो जाता है सब कुछ। इसको देखकर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैजिक, इस लड़की में दम तो है, ये मैजिक बढ़िया दिखा रही है, और तालियां बजाने लगता है जोर जोर से। तभी वहां पर एक और बंदा आता है और उससे कहने लगता है कि तुमने हमसे कहा था कि हम सभी को इस ग्लास को भरना है, वो भी कॉइन्स, और इसका मतलब ये हुआ कि जो सिल्वर इग्नोट्स है इसका मतलब इसका हम किसी तरीके की कॉइन का इस्तेमाल भी समझ कर सकते हैं ना, कॉइन समझ कर भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, लड़की मान जाती है उसे। और तभी एक बहुत बड़ा इग्नोट लेकर वो उस ग्लास में उसे रखने की कोशिश करने लगता है, जिसको देखकर हमारा एमसी समझ जाता है कि ये बंदा इस ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और काफी तो गुस्सा होता है। लेकिन जैसे ही वो इग्नोर उस ग्लास को टच करता है तो पता चलता है कि वो एकदम से छोटा होकर उस ग्लास में घुस जाता है। इसको देखकर वो बंदा और भी तो शौक हो जाता है, और तभी वो कहने लगता है कि जल्दी से मेरे हॉर्स को यहाँ पर लेकर आ जाओ, मैं अपने हॉर्स को भी देना चाहता हूँ। और बताने लगता है कि मेरे इस हॉर्स की कीमत कम से कम 100 टेल्स तो होगी होगी, और मैं इसके बदले में क्या कॉइन्स ले सकता हूँ, और क्या मैं इस हॉर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि जो तुम्हारा ग्लास है वो टूट जाएगा और काफी तो छोटा है। और तभी वो अपने हॉर्स का इस्तेमाल करने लगता है इस ग्लास को तोड़ने के लिए, लेकिन जैसे उसका हॉर्स उस ग्लास को टच करता है तो उसका जो हॉर्स है वो भी छोटा होकर उस ग्लास में घुस जाता है। इसको देखकर सभी के सभी लोग तालियां बजाना चालू कर देते हैं, और उससे कहने लगते हैं कि कितनी ज्यादा मैजिकल वाली ट्रिक है। तभी वहां पर वो एडवर्ट आता है उन सभी को वहां पर भगाने की कोशिश करने लगता है, और उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर पहली फुर्सत में निकल लो। और अपने मुंह से कुछ लाल लाल थूकते हुए उसकी तरफ कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई डीमन, इन सभी के सामने दिन के समय में दूसरों को ट्रिक करने की, अपनी ट्रू अपीयरेंस हमें दिखा दो फटाफट से। और जैसे ही वो ब्लड उस लड़की ऊपर गिरने लगता है तो वो बंदा चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं एक डीमन है जो कि तुम सभी को बेवकूफ बनाने में लगी हुई है, और अगर तुम वाकई में अपने सबसे जब मेहनत से कमाया हुआ पैसा वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए, यहाँ पर मैं जो चीजें तुमसे मंगा रहा हूँ वो चीजें तुम लेकर आओ जल्दी से, यहाँ पर कुछ धूल लेकर आ जाओ, डॉग का ब्लड, चिकन का ब्लड, और कुछ मटेरियल्स भी लेकर आओ। तभी हमारा एमसी उस एबॉट के पास ज्यादा रस से कहने लगता है कि यहाँ पर सभी के सभी लोग मैजिक परफॉर्म करना जानते हैं और वो भी कर सकते हैं, क्या तुम मुझे लेकिन ये बता सकते हो कि आखिरकार इस मैजिक को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तभी एबॉट उससे कहने लगता है कि ये कुछ नहीं बल्कि मैं बस इस डीमन के कुछ ट्रिक्स हैं हुडविक की तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए, जब तक तुम इसकी बातों में फंसते रहोगे तब तक ये बंदी तुम्हें ट्रिक करती रहेगी, लेकिन अगर तुम किसी तरीके से अपने मन को बना लो तो शायद ये कभी भी तुम्हें ट्रिक नहीं कर पाएगी। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम कितनी बकवास करने में लगी हुई हो, यहाँ तक कि जो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा था उस क्वेश्चन का जवाब भी तुमने ढंग से नहीं दिया है। और इनकी कन्वर्सेशन चली रही होती है तभी वहां पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं कुछ ब्लड लेकर, जैसा जैसा उस एबॉट ने उधर मंगाया था उससे, और वे सभी के सभी लोग मिलकर उस ब्लड को उस ग्लास के ऊपर फेंकना चालू कर देते हैं। और जैसे ही वो ग्लास के ऊपर ब्लड सारा का सारा गिरता है तो वो ग्लास टूटना चालू हो जाता है, और एक धमाके के साथ सारा का सारा ग्लास टूट जाता है वहीं पर, और जो जो चीजें उस ग्लास में जाकर छोटी बन गई थी वो वापस से बड़ी हो जाती है, यहाँ तक कि जो हॉर्स था ना वो भी बड़ा हो जाता है, और सभी लोगों के जो पैसे छोटे हुए थे वो भी इस ग्लास से बाहर आ जाते हैं, और सभी लोग अपने पैसे देखकर इतने एक्साइटमेंट भर जाते हैं कि और सभी के सभी अपना अपना पैसा छुड़ाने लगते हैं वहां पर। तभी हमारे एमसी की नजर उस पर जाती है और उसको देखकर उससे कहने लगता है, ओह तुम तो हुओ में ही हो ना। और तभी हमें उस स्पिरिट को दिखाया जाता है, उस बीस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके दो पंख आ गए होते हैं, एक फॉक्स की पूंछ आ गई होती है, और इसके बड़े बड़े कान भी हो गए होते हैं, और पूरी की पूरी खून से सनी हुई होती है क्योंकि उसके पास ऊपर बहुत ज्यादा खून गिराया जो होता है।